इसका हम लोगों ने बहुत सारा सुना हुआ है ना। जब हम जीवन क्रिया को अध्ययन करते हैं तो हम उसके अंदर परावर्तन प्रत्यावर्तन को देखते हैं, इस क्रिया को, है ना। जब हम ये चरित पढ़ रहे हैं तो पीछे वाले चैप्टर में जो हम लोगों ने बल और शक्ति को देखा था, अभी एक और क्वेश्चन, अभी मैं सारे क्वेश्चन को सुबह वाले सत्र में ले लूंगा, नहीं तो मेरे को पूरा पढ़ना पड़ेगा और समय बहुत कम है, तो मैं अपने अलग समय में जाने के पहले सारे क्वेश्चन देख लूंगा और फिर उस सारे को उत्तर दूंगा, ठीक है। तो बल शक्ति को जो हमने देखा उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, इस चैप्टर को अध्ययन करते समय स्थिति और गति, बल और शक्ति को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है ना। परावर्तन प्रत्यावर्तन, स्थिति गति बल शक्ति के मुद्दे पर छोटे से छोटे बड़े से बड़े इकाइयों के साथ वह भी सभी पद और अवस्था में स्पष्ट हो चुकी है। तो ये बात पूरी हो गई, हम लोगों ने इसे बहुत ज्यादा बात किया है ना। अब परावर्तन प्रत्यावर्तन संबंधी ज्ञान, विचार, निर्णय, प्रमाण, फल, परिणाम, ज्ञान का गवाही होने पर ध्यान देते हैं। तो अब आगे दिया क्या ध्यान, अब इसी से जुड़ा हुआ अगला चैप्टर क्या आया है, परावर्तन और प्रत्यावर्तन की बात आई है, ठीक है। और परावर्तन प्रत्यावर्तन संबंधित जो ज्ञान है, जो विचार है, निर्णय, मतलब निर्णय जो उसका निर्णय क्या है, जिसको हम प्रमाणीकरण और परिणामीकरण कहते हैं, जो प्रयोग सिद्ध, व्यवहार सिद्ध है ना, और व्यवस्था में सिद्ध हो सके उसको निर्णय कह रहे हैं। प्रमाण, फल, ये सारे शब्द एक्चुअली आगे आकर डिफाइन हो रहे हैं इसी बुक में, आगे ये सब शब्द आते हैं और बहुत अच्छे से इसका डेफिनेशन है, तो उसको अभी छोड़ देता हूं, आगे हम लोग देख लेंगे। गम्य स्थली के अर्थ में ही मानव सारे कार्यकलाप संपन्न करना चाहता है। तो जो सारे कार्यकलाप है क्यों हो रहे हैं, इसका एक बहुत ही मेन रीजन है गम्य स्थली, कहीं निश्चित स्थली तक पहुंचने की बात आ रही है ना, गम्य स्थली तक पहुंचने की बात है। तो जो सारा अध्ययन है, हम कहीं पहुंचना चाहते हैं, तो जो फाइनल आदमी का डेस्टिनेशन है, जो अंतिम डेस्टिनेशन है मानव का, वो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। ये अंतिम, अगर हम जीवन के रूप में देखते हैं तो एक गम्य स्थली, जो प्रत्यावर्तन का जो गम्य स्थली वो है अनुभव, और परावर्तन का जो गम्य स्थली है प्रमाण स्वरूप में वह है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। तो एक छोर पे है गम्य स्थली सह अस्तित्व का अनुभव, और दूसरे छोर पे है गम्य स्थली जो सह अस्तित्व में अनुभव है, अगर उसका गम्य स्थली देखेंगे तो वह है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। और जो सारे हम लोग यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, जो अभी आगे हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं इस परावर्तन प्रत्यावर्तन का, उसी गम्य स्थली को पाने के अर्थ में है ना। अभी इसके पीछे हम लोगों ने जो स्थिति और गति, बल और शक्ति का अध्ययन किया, वो भी उसी क्रम में जुड़ा हुआ है कि हमको सह अस्तित्व का अनुभव हो और हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को प्रमाणित कर पाए। ये दो मुख्य बातें हैं। जैसे मानव चलने लगता है, उसकी गम्य स्थली उसके सामने होना आवश्यक है ना। गम्य स्थली ना हो, चलना ही हो, ऐसे मानव को हम क्या कहेंगे। हर मानव सोच सकता, थोड़ा मजाक ये, अब वो ट्रेन में वो सोम भैया हमारे कई बार उदाहरण देते हैं कि भाई ट्रेन में आदमी है, उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, है ना, वो किसी ने उदाहरण दिया था, याद नहीं कौन, तो वो कि कहाँ जा रहे हैं आप, तो खाना पीना खिलाता है, सब कुछ बढ़िया करता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि उसको जाना कहाँ है। तो हम उसको, हमको लगता है कि वो अभी समझदार नहीं है, और ऐसे हम भी दौड़े जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने बहुत बढ़िया फ्रेज बना रखा कि लाइफ इज ए जर्नी, जीवन क्या है, एक निरंतर यात्रा है। तो हम सब निरंतर यात्रा पे निकले हुए हैं, कहाँ पहुंचना है नहीं मालूम है, ऐसा अभी चल रहा है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उसका उलट, कि जो भी हम कार्य करते, जो भी गति है, जहां भी हम एक काम को शुरू किया, उसका एक एंड पॉइंट है, उसको एंड पॉइंट की बजाय एक उसकी पूर्ण पॉइंट कह लो, जहां पर उस क्रिया को पूर्ण होना है। तो हर क्रिया को एक जगह जाकर पूर्ण भी होना है ना। तो जब हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, हम चलने लगे, तो हमको कहीं पहुंचना है,
अगर हम पहुंचने वाले चीज को ध्रुवीकृत कर लेते हैं तब जाकर के हमारा अध्ययन होता है। हमको पहुंचना कहाँ है वो अगर ध्रुवीकृत नहीं है तो जो हमारी जर्नी है वो ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि दिशा ही सेट नहीं होगा। दिशा तभी सेट होगा जब हमारे लक्ष्य पता है अंतिम जगह पहुंचना कहाँ है ना। तो उस रूप में कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर ये तय नहीं है कि आपको पहुंचना कहाँ है तो आप फिर जो बातें करते हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। गर्भ में स्त्री ना हो, चलना ही हो, ऐसे मानव को हम क्या कहेंगे? हर मानव सोच सकता है। इस प्रकार एक चींटी भी, एक हाथी भी, पशु पक्षी भी, जीव जंतु भी, जितने भी चलायमान हैं, उनके गम्य स्थली उनके साथ जुड़ा ही रहता है। मतलब जब वो चलना शुरू किए तो उनको कहीं पहुंचना ही है ना, पहुंचने के लिए ही वो चल रहे हैं। हमारे यहाँ गीज गूज चिड़िया है, पक्षी हजारों किलोमीटर तक यात्रा करती है, कनाडा से वो बटरफ्लाई, मोनार्क बटरफ्लाई हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है, लेकिन वो जो भी यात्रा है वो कहीं पहुंचने के अर्थ नहीं है ना। इसका प्रमाण है कि इसका प्रमाण यही है कि सभी चल कर कोई निश्चित जगह पर पहुंचते रहते हैं। जल में तैरने वाले मगरमच्छ भी तैरते हुए निश्चित निर्धारित जगह पर होते हैं। इस तरह से कुछ वस्तु धरती के हर स्थल पर होने वाले होते हैं, कुछ कहीं कहीं होने वाले होते हैं, कुछ अत्यल्प जगह में होने वाले होते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, इस सबको उदाहरण नीचे दे रहे हैं, जैसे हवा धरती के सभी ओर रहता है ना, सूर्य का प्रकाश एक ओर रहता है एक ओर नहीं रहता है, जैसे नदी दूर दूर तक बहती है, जैसे पहाड़ एक ही जगह में दिखाई पड़ता है, जैसे झाड़ पौधे एक ही जगह में रहते हैं, इसी धरती में मानव भी रहता है, पक्षी भी रहता है। कुछ वर्ष पहले मानव ऐसा सोचता था कि पक्षियां ही दूर दूर तक जाते हैं, वह बदलकर अब मानव भी पूरी धरती में घूमने लगा, हवाई जहाज बना लिया, अपना यात्रा कर रहे हैं। चलो अच्छा है कि कोरोना वायरस के कारण थोड़ा यात्रा कम हो गया है ना, घूमते हुए भी कोई ना कोई जगह में स्थान में होता ही है, वो कहीं घूमता है तो कहीं ना कहीं होता ही है, घूमता है तो होना एक अवश्यंभावी रहता ही है। यह स्थिति गति के साथ जुड़ी हुई तथ्य है। अब कहीं रहेगा तो स्थिति तो है ही, स्थिति के बिना गति होती नहीं है, है ना। यह सिद्धांत अथवा सकारात्मक स्थिति के साथ ही गति प्रमाणित होती है। तो सकारात्मक स्थिति के साथ ही गति प्रमाणित होती है, स्थिति के बगैर गति प्रमाणित नहीं होती। गति के साथ आप स्थिति को नहीं, स्थिति के साथ गति है, ठीक है। मानव की स्थिति गति सुस्पष्ट है। अब क्या कह रहे हैं सुंदर बात, कि मानव की स्थिति गति दोनों सुस्पष्ट है ना। एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए मानव का होना भी, स्थानांतरण होना भी दिखाई पड़ता है, इसके साथ साथ परावर्तन प्रत्यावर्तन की क्रिया भी संपादित होती है। तो दो क्रियाएं हैं, परावर्तन की क्रिया, तो परावर्तन से उसको कहीं पहुंचना है, और प्रत्यावर्तन की क्रिया है ना, उसका एक सेट डेस्टिनी है, उस जगह उसको पहुंचना है। ऐसे परावर्तन प्रत्यावर्तन को हम पहचानने, पहचानवाने के रूप में, समझने समझाने के रूप में, सीखने समझने के रूप में, सीखने सीखने के रूप में हम अपने में होना पाते हैं। इसमें से समझने समझाने का जो भाग है इसी में परावर्तन प्रत्यावर्तन सुस्पष्ट होता है ना। तो परावर्तन प्रत्यावर्तन समझने और समझाने की क्रिया में, जो समझने की क्रिया है उसको प्रत्यावर्तन कह रहे हैं, और जो समझाने की क्रिया है उसको परावर्तन कह रहे हैं। प्रत्यावर्तन विधि से समझते हैं, समझाने की विधि को परावर्तित होते हैं। मानव के लिए जितनी भी क्रियाएं हैं वे कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत, कारित, अनुमोदित भेदों से है।
इसको हमने कर्म दर्शन के शुरू में भी देखा था, इसको योगेश भैया ने लिया था काफी अच्छे से, तो आप वहां पे अच्छे से देख सकते हैं कि ये क्रियाएं क्या हैं, कायिक वाचिक मानसिक कृत कारित अनुमोदित, नौ भेदों से कर्म को बाबा जी ने बहुत सुंदर ढंग से बताया, तो इसको आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इस पे कोई बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। इन सब के मूल में परावर्तन, परावर्तन के मूल में प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन के वैभव में परावर्तन क्रिया अनुस्यूत विधि से संपादित होती है। सारी क्रियाओं के मूल में देखेंगे तो क्या कह रहे हैं, इन सब के मूल में परावर्तन है, और परावर्तन के मूल में देखेंगे तो प्रत्यावर्तन है, प्रत्यावर्तन के वैभव में परावर्तन है, और ये एक अनुस्यूत निरंतर रहने वाली क्रिया है ना। परावर्तन की सार्थकता तभी संतोषजनक हो पाई है जब समझने के लिए इच्छुक मानव हो, तो वो परावर्तन की सार्थकता तब है जब समझने के लिए मानव इच्छुक हो। ऐसे मानव के साथ ही परावर्तन क्रिया अर्थात समझे हुए को समझाने की क्रिया सार्थक होता हुआ देखने को मिलता है ना। ऐसे मानव के साथ ही परावर्तन क्रिया अर्थात समझे हुए को समझाने की क्रिया सार्थक होता हुआ देखने को मिलता है, तभी वो सार्थक होता है ना, नहीं तो सार्थक नहीं। परावर्तन की सार्थकता में इतना सुनिश्चित होना आवश्यक है कि परावर्तन क्रम कार्य व्यवहार फल प्रयोजन संगत हो। नीचे बता रहे हैं, कार्य में उत्पादन का आधार, तो परावर्तन क्रम क्या है, एक तो कार्य में क्या है, उत्पादन, व्यवहार में न्याय, तो उत्पादन कैसे, नियम पूर्वक उत्पादन है ना, व्यवहार में न्याय, तो न्याय को देख रहे हैं, और उसके फलन में मानवाकांक्षा का के आधार, मानवाकांक्षा क्या है, मानव की आकांक्षा है समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व या अभ्युदय या सर्वतोमुखी समाधान का प्रमाण, तो जो सर्वतोमुखी समाधान का प्रमाण है ये मानव की आकांक्षा है, चीर आकांक्षा है, चीर अभिलाष से सदा सदा मानव इसके लिए त्रिषित है, प्यासा है ना, यही मानव की मूल आकांक्षा है। प्रयोजन में देख रहे हैं, तो जीवन लक्ष्य के आधार पर सार्थक होना पाया जाता है, तो जीवन लक्ष्य क्या है, सुख शांति संतोष आनंद, इनकी अर्थात उत्पादन न्याय मानवाकांक्षा जीवनाकांक्षा सार्थक होने की स्वीकृति हर मानव में सहज है, यह मुद्दा पहले स्पष्ट हो चुका है। तो हर मानव क्या चाहता है, हर मानव समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व पूर्वक जीना चाहता है, हर मानव अभ्युदय चाहता है, हर मानव सर्वतोमुखी समाधान चाहता है, कोई भी मानव समस्या नहीं चाहता है। और दूसरे रूप में जीवन के रूप में तो कोई आदमी दुख नहीं चाहता है, अशांति नहीं चाहता है, असंतोष नहीं चाहता है ना, हर आदमी क्या चाहता है, सुख शांति संतोष आनंद, ये हर मानव की चाहत है। और सुख शांति संतोष आनंद कैसे होएगा, उसके लिए मानव कांक्षा जो है, जो मानव लक्ष्य है उसको पूरा होने से ही वो सफल होता है, अन्यथा नहीं हो पाता है। तो आज लगभग हमको लगता है कि यही रोकना चाहिए। का मतलब क्या है, तो मास को समझना चाहती हैं, क्योंकि कल हम लोग भार और मास दो चीजों को अलग अलग रूप में देख रहे हैं, है ना। तो भार को हमने ऑलरेडी देख लिया किस तरह से आकर्षण से, भार जो है आकर्षण से जुड़ा हुआ है। मास क्या है, तो कोई इकाई है, जैसे ये फोन है, ये किसी चीज से मिलकर बना है, ये जिन चीजों से मिलकर बना है उसको मास कह रहे हैं। तो मास नहीं बदलता है, यहाँ अगेन विज्ञान में जिस तरीके से मास देख रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं थोड़ा सा अंतर है। वैसे एक बार अगेन क्लैरिफिकेशन कर देना चाहता हूँ कि मैं विज्ञान का बहुत सामान्य विद्यार्थी रहा, मैंने इंटर तक पढ़ाई की ठीक से, उसके बाद बीएससी में जब मैंने किया तो इतना अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, उसके बाद मेरा अलग जर्नी शुरू हो गया। तो मैं विज्ञान का एक औसत विद्यार्थी रहा, थोड़ा बहुत ही मुझे मालूम है, तो जो भी मैं बोलूंगा विज्ञान के बारे में वो मेरा अपना नॉलेज अधूरा है ना, तो जो मैंने इधर उधर से सुन रखा है, पढ़ रखा है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। और जब मैं दर्शन की बात कर रहा हूँ तो वहां भी मैं एक विद्यार्थी हूँ, अभी समझने के क्रम में हूँ, और बहुत सारी गलतियां होने की संभावना उसमें है, त्रुटि होने की संभावना है,
तो इन दोनों को ध्यान में रखकर ही मैं अपनी बात को रख रहा हूँ और आप उसको ध्यान में रखकर ही सुने। तो विज्ञान में जो मास कह रहे हैं, मास बेसिकली विज्ञान में जो फंडामेंटल शिफ्ट आया मास के बारे में, वो है जुलाई 2012 के बाद। और मास के लिए भी जैसे हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए कोई एक जिम्मेदार पार्टिकल है जिसको फोटान कह रहे हैं, ऐसे वीक फोर्स के लिए, स्ट्रांग फोर्स के लिए, सभी के लिए वहां पे एक जिम्मेदार कोई पार्टिकल है। उस पार्टिकल के होने के कारण वो कार्यक्रम हो रहा वहां पे। ऐसे ही मास के लिए विज्ञान में जो नया पार्टिकल को खोजा गया, दो बेसिकली नया जो बदलाव आया 2000 जुलाई 2012 के बाद, तो मास जो है किसी भी इकाई में मास हिग्स बोसान के कारण है। और जो हिग्स बोसान है वो तभी मास गेन करता है जब वो हिग्स फील्ड में रहता है। तो हिग्स फील्ड और जो पार्टिकल है हिग्स बोसान, उसके इंटरेक्शन से वहां पे मास को किसी तरीके से डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पे एक बहुत अच्छी किताब भी आई है जिसका नाम ही है मास। उस पे विज्ञान में काफी अच्छे से विस्तार से चर्चा की गई है कि मास क्या चीज है। अपन यहाँ क्या देख रहे हैं, मास जो परमाणु है वो छोटे छोटे अंशों से मिलकर बने हैं। तो ये जो इन अंशों से मिलकर बना है, वो सारे अंश को हम देख करके मास बोल रहे हैं। अब कोई ऐसी भी इकाइयां हैं, बहुत सारी हैं, जिनके अंदर मास है परंतु भार नहीं। उदाहरण के स्वरूप जैसे जीवन है, तो जीवन 61 अंशों से मिलकर बना है, जिसके मध्य में एक, और पहले जो परिवेश है, पहला परिवेश में दो, दूसरे परिवेश में 8, तीसरे में 18, चौथे चौथे में 32 अंश होते हैं। इस तरह से 61 अंशों से मिलकर बना है। तो उसके अंदर मास है परंतु जीवन में वेट नहीं है, क्योंकि वो भार बंधन से मुक्त है, इसलिए उसके अंदर भार नहीं है, है ना। ऐसे ही धरती है, तो धरती बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी है। जितने भी ग्रह गोल नक्षत्र आपको दिखाई देते हैं, इसके अंदर मास है, इसके अंदर वस्तुएं हैं, परंतु धरती के अंदर भार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी की ओर आकर्षित या विकर्षित नहीं हो रही है। इसके अंदर धनाकर्षण, ऋणाकर्षण, ये जो स्थितियां हैं नहीं है। रादर धरती क्या है, शून्य आकर्षण में है। तो शून्य आकर्षण में होने के कारण धरती जो है मास है परंतु भार नहीं है। अब हम अपना ही शरीर लेते हैं, जैसे अगर हम मैं यहां हूं, तो यहां पे हमारा जो भार है अलग है, क्योंकि भार जो है परस्परता में है। तो यहां जब हम उसको तोलेंगे तो अलग आएगा। अगर हम चंद्रमा पे चले गए तो हमारा मास वही रहेगा परंतु भार बदल जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का जो साइज है और ये जो धरती का साइज है उसमें अंतर आ गया। और हमारा जो हमारे इस शरीर का आकर्षण और जो चंद्रमा होगा उसके ऊपर आकर्षण अलग है। तो इस तरह से दोनों जगह आपका मास समान रहेगा परंतु भार अलग होगा। अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें, जो न्यूटोनियन फिजिक्स है, उसमें लगभग इस तरह से देखते थे। उसके और आगे जाते, अगर हम जुपिटर पे चले गए या मार्स पे चले गए, तो वहां पे फिर मास वही रहेगा, भार बदल जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जीवन में मास है परंतु भार नहीं है। धरती, चंद्रमा, है ना, जो भी मार्स, जुपिटर, ये जितने ग्रह हैं उनके अंदर मास है परंतु भार नहीं है। तो ये हो गया आपका मास क्या है, वो लगभग आपको शायद मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया। और साइंस में भी किस तरीके से देख रहे हैं उसको भी लगभग थोड़ा सा जितना मेरी समझ है उसके हिसाब से आपको बता दिया। दूसरा है भाविन शाह भाई का क्वेश्चन है, अंश का आचरण क्यों निश्चित नहीं है, उसमें प्रकाश डालें। तो पहले ही बताया कि अंश है, अंश के अंदर केवल घूर्णन गति है। अगर कोई एक अंश अस्तित्व में अकेले है तो उसका कोई भी गति स्पष्ट नहीं है, उसके अंदर कोई निश्चितता नहीं है, है ना। वो स्वयं में कोई आचरण नहीं देता है, अपने में कोई व्यवस्था नहीं बन पाता है। व्यवस्था तभी है जब एक से अधिक अंश साथ में होकर के घूर्णन गति, वर्तुलात्मक गति, कंपनात्मक गति, इन तीनों के साथ है। और जब ये तीनों साथ में है तब उसके अंदर एक निश्चित आचरण की बात है। ये निश्चित आचरण का होना, जिसको हम आचरण को अगर हम कह रहे हैं, तो त्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी, ऐसा है तब हम उसको निश्चित आचरण की बात कर रहे हैं।
ये अंशों में नहीं होता है, मिनिमम जो है वो परमाणु में होता है, और जो सबसे छोटा परमाणु है वो दो अंशों से बना हुआ परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के अंदर, ऐसा आप देख सकते हैं। उसके बाद 120 तरह के परमाणु हैं, जिसमें पहले से लेकर 60 तक भूखे परमाणु, और उसके बाद 61 से लेकर 120 तक अजीर्ण परमाणु, और एक जीवन परमाणु। इस तरह से 121 तरह के परमाणु है जो जीवन है वो शरीर के साथ मिलकर के मानव स्वरूप में है। मानव को अभी स्वयं में व्यवस्था, स्वयं में मानवत्व सहित व्यवस्था, समग्र में भागीदारी करने का अभी भी मानव में प्रतीक्षा है, अभी इंतजार कर रहा है। उसके बाद भाविन भाई का एक और क्वेश्चन है कि यानी जब अंश सिंगल होता है तब उसके आसपास कोई प्रभाव नहीं रहता है, ये बात ठीक है भैया? तो खाली पूछ रहे हैं। एक तो भैया जब हम अंश कह रहे हैं तो आसपास नहीं, अंश के चारों तरफ, एक अंश है और उसके चारों तरफ उसका प्रभाव क्षेत्र है ना? और ये अंश का प्रभाव क्षेत्र सदा रहता है, जब अंश अकेले है तब भी वो प्रभाव क्षेत्र है ही। इसलिए मैं बात कर रहा था कि अंश और उसका प्रभाव क्षेत्र उसके साथ ही अंश है, क्योंकि जो भी अंश है ऊर्जा में भीगा है, ऊर्जा में भीगा होने के कारण उसमें ऊर्जा संपन्नता है, ऊर्जा संपन्नता होने के कारण बल संपन्नता है, और इस बल को हम देखते हैं तो उसके उसका एक प्रभाव क्षेत्र है, और ये प्रभाव क्षेत्र हमने देखा था बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें कभी विकार नहीं हो सकता है, इसको तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। तो हर अंश अपने प्रभाव क्षेत्र के साथ सदा सदा बना रहता है ना? और जब दो अंश साथ में आते हैं तब वो परस्परता में पहचानते हैं, और ये प्रभाव क्षेत्र बना रहता है इसलिए उसके अंदर एक निश्चित अच्छी दूरी भी बनी रहती है, क्योंकि प्रभाव क्षेत्र को खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक हमारे हेमंत भैया इंदौर से, उनका एक प्रश्न है, भौतिक व रासायनिक रचना में क्या भेद है? तो भैया दो दो मोटे मोटे हम लोगों ने देखा, एक तो भौतिक क्रिया रासायनिक क्रिया, और भौतिक जो जगत है उससे बना हुआ रचना जिसको हम पदार्थ अवस्था में पहचानते हैं, पदार्थ अवस्था में तात्विक लेवल पे और मिश्रण के लेवल पे, दो अर्थों में हमने भौतिक रचनाओं को देखा है, और मानव व्यवहार दर्शन का अध्ययन करते समय ये आया भी था। अब इन रचनाओं में जब हमारे रासायनिक कह रहे हैं तो रासायनिक जो यौगिक क्रिया शुरू होती है, रासायनिक क्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों परिणाम होते हैं, तो जब हम रासायनिक कर रहे हैं तो उसके अंदर भौतिक परिणाम होता ही है, ये अपने को समझना चाहिए। दूसरा ये बात है कि उसके रचना में क्या अंतर होता है, तो जो भौतिक क्रिया है उसके अंदर केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है ना? जब रासायनिक रचना शुरू हुआ तो उसके अंदर मात्रात्मक के साथ गुणात्मक परिवर्तन भी शुरू हुआ, ये मुख्य बात है। अब हम उसको और अगर थोड़े एग्जाम्पल से देखते हैं, तो हम जब पानी का अध्ययन करते हैं और उसके आगे की जो कहानी, बेसिकली अगर हम रसायन का पूरा संसार देखेंगे, भौतिक रासायनिक दोनों कह लीजिए, तो वो है प्राण अवस्था। तो प्राण अवस्था में काई से लेकर के मानव शरीर तक ये सारी रचनाएं जो है भौतिक रासायनिक चीजों से बनी हुई है। अब इनके अंदर हम देखते हैं तो क्या एक मौलिक बात दिखाई देती है इन क्रियाओं में जो पीछे भौतिक क्रियाओं में नहीं था, इसमें एक तो है आपका श्वसन का होना है ना, रेस्पिरेशन, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ, ये सारी क्रियाएं जो श्वसन है, रेस्पिरेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, प्रजनन है, और जो वृद्धि है, ये सारी क्रियाएं जब ये रसायन संसार उदय हुआ तभी वो आया, सारा रसायन से बने हुए रचनाओं में ही हमको दिखाई देता है। भौतिक जो चीजें बनी हैं, भौतिक रचनाएं हैं, जैसे धरती, बहुत सारी धरतियां हैं जो केवल भौतिक रचनाएं, तो उन धरतियों पे श्वसन, प्रजनन और वृद्धि, इन सब क्रियाओं को आप नहीं देख पाएंगे। तो इस रूप में आप देख सकते हैं। एक दीदी का प्रश्न था, भाई दो सेब था वो खा गए, क्योंकि हम वो बता रहे थे जोड़ने घटाने की बात, स्थानांतरण की बात और परिवर्तन की बात। तो दीदी जो अस्तित्व है उसमें जो प्रकृति है वो स्थितिशील प्रकृति है, और स्थितिशील प्रकृति में, स्थितिशील क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें दो चीजें सदा हो रही हैं, एक तो जो प्रकृति है
वो परिवर्तनशील है और उसके अंदर स्थानांतरण हो रहा है ना। अब ये जो स्थानांतरण है और परिवर्तन है वो उसका रीजन है व्यवस्था में होना। व्यवस्था के अर्थ में ही उसके अंदर परिवर्तन और स्थानांतरण है। अब दो बच्चा, जब बच्चा दोनों सेब खा गया तो क्या होगा उसका उत्तर, भैया हमारे हेमंत भैया ने दिया, पेट में चला गया। तो बच्चों को दिखता है कि शरीर, वो जब खाना खाता है शरीर उसका पुष्ट होता है ना। खाना खाने के बाद बहुत सारी चीजें बाहर भी है ना विसर्जित हो जाती हैं, फिर वो किसी अन्य के पेड़ पौधों के काम आता है। तो इस तरह से कोई भी चीज है उसका वो खत्म तो होता नहीं है, उसका रूप बदल जाता है। तो हमारे शरीर में पोषण चाहिए, वो पोषण खाने के उपरांत मिलता है, उससे क्या होता है हमारा शरीर बढ़ता है ना। तो और क्या होता है, उसका जो मल मूत्र के रूप में विसर्जन हुआ उससे दूसरी चीजें बढ़ती हैं, वो दूसरे के लिए पूरक हो गया। इस तरह से हर वस्तु का एक तो परिवर्तन है ना, हर वस्तु में जो प्रकृति है उसके अंदर परिवर्तन को आप देख सकते हैं और स्थानांतरण को देख सकते हैं। ये दो चीजें हैं, इसी के आधार पे हम घटाने को देख रहे हैं। और जो भी घटाना है, एक जगह वह घटाना दिखता है तो दूसरे जगह उसका जुड़ना भी दिखता है। तो घटाना और जुड़ना साथ साथ ही है, कहीं वो घटा कहीं जुड़ा। जैसे अगर हम लोग बोले कि हम लोग कहीं यात्रा में हैं, 10 लोग बस में जा रहे हैं और 2 आदमी उस बस में से निकल गए तो कितने बचे? अब बस में तो 8 बचे, यहां से डिस्प्लेस हो गए, लेकिन वो कहीं जुड़ गए, इस तरह से आदमी बने हुए हैं। तो इतने सारे प्रश्न थे, प्रश्नों को हमने ले लिया। अब इसके बाद हम लोग वापस अपने चैप्टर पे चलते हैं। कल एक बड़ी सुंदर बात हमको समझ, मतलब जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो एक तो कि इतना सुंदर स्थिति गति जो चैप्टर थे, इतना सुंदर, और हर लाइन पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे समाधान बहुत निकटवर्ती है, बहुत सहज है ना। इतना सुंदर ढंग से इसको एक्सप्लेन किया गया है। और आगे जब हम लोग इस परावर्तन प्रत्यावर्तन को पढ़ेंगे तो जो हमारा विश्वास बना है कि हम सब समझदार हो सकते हैं, समझ सकते हैं, समाधानित हो सकते हैं, है ना, ये और पुष्ट होगा और ये दिखेगा कि कितना सहज ये समझदारी है। तो कल हमने शुरू किया था परावर्तन प्रत्यावर्तन, मैं जल्दी जल्दी ना उसको फिर से पढ़ देता हूँ, केवल 5 मिनट लगेगा। तो क्योंकि ये जो नया वीडियो अपलोड हो रहा है इसका चैप्टर हमने रख दिया है, नाम रखा है परावर्तन प्रत्यावर्तन। और जो लोग कभी नए होंगे और पहली बार इसको देखेंगे तो या तो उनको पिछले वाले वीडियो से शुरू करना होगा और नहीं तो यहीं से शुरू कर सकते हैं और इसमें उनको शायद ज्यादा आसानी होगी। तो जो नए देखने वाले होंगे कभी ऑनलाइन, उनके लिए उनको ध्यान में रख करके मैं शुरू से पढ़ देता हूँ, है ना, और छोटा सा उसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा 5-7 मिनट के अंदर। परावर्तन प्रत्यावर्तन, स्थिति गति बल शक्ति के मुद्दे पर छोटे से छोटे बड़े से बड़े इकाइयों के साथ वह भी सभी पद और अवस्था में स्पष्ट हो चुकी है। तो इसको हम लोगों ने पहले देखा स्थिति गति के अंदर कि किस तरह से हर जगह सब जगह स्थिति गति को हमने देखा, एक परमाणु अंश से, परमाणु से लेकर के पूरा बड़े बड़े ग्रह गोल नक्षत्र तक। अब परावर्तन प्रत्यावर्तन संबंधी ज्ञान विचार निर्णय प्रमाण फल परिणाम ज्ञान का गवाही होने पर ध्यान देते हैं। गम्य स्थली के अर्थ में ही मानव के सारे कार्यकलाप संपन्न करना चाहता है। तो मानव जो भी कार्यकलाप करता है वो कहीं पहुंचने के लिए ही करता है, और मानव ही नहीं, आगे पढ़ेंगे जितनी भी चीजें, जो भी गतियां, जो भी कार्यक्रम है, हर हर जो कार्य है उसके पीछे एक इंटेंशन है, उससे हमको कहीं पहुंचना है। तो मानव की जो अंतिम गम्य स्थली, अगर हम परावर्तन प्रत्यावर्तन की बात करते हैं तो जो अंतिम गम्य स्थली है, एक तो मानव के अंदर समझदारी का होना, अनुभव का होना, तो प्रत्यावर्तन विधि से जो हम इसी गम्य स्थली तक पहुंचते हैं वह है अनुभव। और उस प्रत्यावर्तन के बाद जब परावर्तन की बात आती है, जब हम जीने में जाते हैं, तो उसका जो अंतिम गम्य स्थली है वह है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। तो मानव का सारा जो गमन है वो
प्रत्यावर्तन विधि से अनुभव तक और परावर्तन विधि से अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक। अल्टीमेट आप कह सकते हैं कि मानव अल्टीमेटली अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक पहुंचना चाहता है, यही हमारी गम्य स्थली है ना। जैसे मानव चलने लगता है उसकी गम्य स्थली उसके सामने होना आवश्यक है। गम्य स्थली ना हो, चलना ही हो, ऐसे मानव को हम क्या कहेंगे? हर मानव सोच सकता है ना। तो हम जब अध्ययन कर रहे हैं तो उसका भी एक गम्य स्थली है। हम परिवार में रहते हैं उसका उसका एक गम्य स्थली है। हम कोई संबंध बनाते हैं तो हर हर क्रिया के पीछे देखेंगे तो हमको कहीं पहुंचना है, उसका कोई एक डेस्टिनेशन है ना। अगर वो डेस्टिनेशन सेट है, अगर हमको ये मालूम है कि हमको अखंड समाज सार्वभौम तक व्यवस्था तक पहुंचना है, तब हमारे सारे इंटरेक्शन उसी लिए होंगे, हम सारे संबंध उसी के लिए बनाएंगे, हमारी जो बातचीत होगी, हम जो अध्ययन करेंगे है ना, परस्परता में मिलेंगे, जो भी करेंगे, सारा हमारा कार्य, सारा व्यवहार उस गम्य स्थली तक पहुंचने के लिए ही होगा। ठीक है। इस प्रकार एक चींटी भी, एक हाथी भी, पशु पक्षी भी, जीव जंतु भी, जितने भी चलायमान हैं, उनके गम्य स्थली उन उनके साथ जुड़ा ही रहता है ना। इसका प्रमाण यही है कि सभी चलकर कोई निश्चित जगह पर पहुंचते हैं। जल में तैरने वाले मगरमच्छ भी तैरते हुए निश्चित निर्धारित जगह पर पहुंचते हैं। इस तरह से कुछ वस्तु धरती के हर स्थल पर होने वाले होते हैं, कुछ कहीं कहीं होने वाले होते हैं, कुछ अत्यल्प जगह में होने वाले होते हैं। जैसे हवा धरती के सभी ओर रहता है, सूर्य का प्रकाश एक ओर रहता है, एक ओर नहीं रहता है, जैसे नदी दूर दूर तक बहती है, जैसे पहाड़ एक ही जगह में दिखाई देता है, जैसे झाड़ पौधे एक ही जगह में रहते हैं, इसी के में धरती में मानव भी रहता है, पक्षी भी रहता है। कुछ वर्ष पहले मानव ऐसा सोचता था कि पक्षियां ही दूर दूर तक जाते हैं, वह बदल कर अब मानव भी पूरी धरती में घूमता है, घूमते हुए भी कोई ना कोई जगह में स्थान में ही होता है, होना एक अवश्यंभावी रहता ही है। यह स्थिति गति के साथ जुड़ी हुई तथ्य है। स्थिति के बिना गति नहीं होती नहीं। यह सिद्धांत अथवा सकारात्मक स्थिति के साथ ही गति प्रमाणित होती है। मानव की स्थिति गति सुस्पष्ट है। एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए मानव का होना भी, स्थानांतरण होना भी दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ परावर्तन प्रत्यावर्तन की क्रिया भी संपादित होती रहती है। कितना सुंदर हो गया कि इसमें परावर्तन प्रत्यावर्तन की जो क्रिया है और उसके साथ कहां हमको पहुंचना है और क्यों पहुंचना है, क्यों हर जगह ऐसा ही है कि हर कोई हर इकाई कहीं पहुंचने के लिए ही कोई गति कर रही है ना, ये बात इसके अंदर स्पष्ट हुई। तो जो प्रत्यावर्तन है एक एक तरफ है, अगर हम देखते हैं पूरे अस्तित्व में मानव के लिए क्या बचा है, एक तरफ है अनुभव या समझदारी, तो सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व को समझना, सहअस्तित्व का अनुभव करना, ये एक गम्य स्थली है। और दूसरा इस सहअस्तित्व के अनुरूप हमको हमारे जीना है ना, जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में हम देख रहे हैं। हम स्थिति गति को जो दूसरा नाम देते हैं वो है होना और रहना। तो स्थिति क्या है? होना, और गति है रहना। होने और रहने को अलग नहीं किया जा सकता है, होने के आधार पर ही रहना है। ठीक है। तो इस तरह से हम दिखाई देते हैं, रहना मतलब बेसिकली उस जो गम्य स्थली है। तो फाइनल मानव का जो गम्य स्थली है वो है अखंडता सार्वभौमता, यह मानव का गम्य स्थली है। अल्टीमेट इसको कह सकते हैं सहअस्तित्व को प्रमाणित करना, उसका प्रमाण, उसकी परंपरा। तो सहअस्तित्व का प्रमाण, सहअस्तित्व की परंपरा, यह मानव का अल्टीमेट डेस्टिनी है ना। इसी के लिए अब हम अध्ययन आगे करेंगे, किसका? परावर्तन का और प्रत्यावर्तन का। ऐसे परावर्तन प्रत्यावर्तन को हम पहचानने, पहचानवाने के रूप में समझने, समझने के रूप में सीखने, सीखने के रूप में हम अपने में होना पाते हैं। इसमें से समझने समझाने का जो भाग है, इसी में परावर्तन प्रत्यावर्तन सुस्पष्ट होता है। प्रत्यावर्तन विधि से समझते हैं, परावर्तन की विधि से, समझाने की विधि से परावर्तित होते हैं। तो दो बातें आ गई, एक तो है समझना है ना, दूसरा है जी करके समझाना,
उसके हमने जोड़ दिया साथ में, जीना समझाना। तो जीना और समझाना है वो परावर्तन है, और जो समझना है, समझने की क्रिया, उसको कह रहे हैं प्रत्यावर्तन। मानव के लिए जितनी भी क्रियाएं हैं वे कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत, कारित, अनुमोदित भेदों से है। तो हमने 9 प्रकार से सारे मानव के क्रियाकलाप को देखा। जब हम कर्म दर्शन के पहले चैप्टर में थे तो वहां 9 तरह के कर्म की चर्चा आई थी, है ना। अभी 9 तरह के जो भी कर्म हैं, इसके मूल में क्या है, ये परावर्तन है ना। हर कर्म का जो अल्टीमेट डेस्टिनी है वो है सहअस्तित्व को प्रमाणित करना, सहअस्तित्व की परंपरा होना। वो किस रूप में दिखता है, अखंडता सार्वभौमता के रूप में, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में, है ना। इन सब के मूल में परावर्तन, परावर्तन के मूल में क्या है, अब हमको जीना क्यों है। तो जीने के पीछे अगर देखेंगे, हम अभी ये क्लास ले रहे हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये समझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये समझाने के पीछे क्या हो रहा है, मेरे अपने समझ की पुष्टि हो रही है ना। तो इस ये देखने में तो दिखता है ये परावर्तन की क्रिया, लेकिन इसके साथ एक प्रत्यावर्तन की क्रिया भी जुड़ी हुई है, इससे हमारे समझदारी बढ़ रहा है। तो ये प्रत्यावर्तन की, ये परावर्तन जो हो रहा है अभी हमारा, हमारे बीच में, आपके बीच में जो ऑनलाइन कॉल चल रहा है और हम परावर्तन की बात कर रहे हैं, समझाने की बात कर रहे हैं, इसमें हमारा अपना समझना हो रहा है, है? तो हम जो यहां प्रस्तुत हो रहे हैं अपने समझने के अर्थ में ही हो रहे हैं, इस तरह से आप उसको देख सकते हैं। और आप भी जब किसी को समझाते हैं तो ध्यान जाता है कि आपके अंदर अपनी समझ और पुष्ट होती है। तो जो भी परावर्तन है वो प्रत्यावर्तन के ही अर्थ में है। परावर्तन, हम परावर्तित होते ही है, उसके मूल में क्या है, हमारा अपना समझदारी का होना, प्रत्यावर्तन का होना। प्रत्यावर्तन के वैभव में परावर्तन क्रिया अनुस्यूत विधि से संपादित होती है। अब प्रत्यावर्तन होता है तो उसका परावर्तन होता है, और इस तरह से ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। तो इस तरह से समझने समझाने का काम, समझना जीना समझाना, ये तीनों कार्यक्रम लगातार चलता रहता है मानव में। ऐसे मानव के साथ ही परावर्तन क्रिया अर्थात समझे हुए को समझाने की क्रिया सार्थक होता हुआ देखने को मिलता है। परावर्तन की सार्थकता में इतना सुनिश्चित होना आवश्यक है कि परावर्तन क्रम, कार्य, व्यवहार, फल, प्रयोजन संगत हो। तो जो भी परावर्तन है, है ना, इसमें जो परावर्तन में जो क्रम है वो किसके संगत हो, है ना, एक तो कार्य संगत हो, व्यवहार संगत हो, फल संगत हो, प्रयोजन संगत हो, ये चारों का होना उसमें जरूरी है। अगर हम कार्य में देखते हैं तो कार्य को कैसे पहचानते हैं, नियम पूर्वक जो हम उत्पादन करते हैं, और उसको और अच्छे से देखते हैं तो समृद्धि के अर्थ के साथ। व्यवहार को कैसे देखते हैं, न्याय, है ना, न्याय के साथ। और अगर हम फल को देखते हैं, फल यहाँ पे मानवाकांक्षा के आधार पे फल को डिफाइन किया है। फल क्या है, अल्टीमेट मानव का मानवाकांक्षा क्या है, फल क्या है, वो है अभ्युदय। अभ्युदय का मतलब है सर्वतोमुखी समाधान संपन्नता। तो हर मानव सर्वतोमुखी समाधान संपन्न होना चाहता है, समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व को प्रमाणित करना चाहता है, यही मानवाकांक्षा है। इस मानवाकांक्षा, ये मानवाकांक्षा ही को पाना, ये इसको फल कह रहे हैं। फल का मतलब है जो क्रिया का जो अंतिम उपलब्धि है, जो भी हम कर रहे हैं उसका जो फाइनल क्या मिलेगा हमको, उसको हम फल कह रहे हैं। तो क्रिया का जो सबसे अंतिम उपलब्धि है वो है अभ्युदय, सर्वतोमुखी समाधान, है ना, समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व का प्रमाण। और उसके बाद बोल रहे हैं प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजन में जीवन लक्ष्य के आधार पर सार्थक होना। जीवन लक्ष्य क्या है, वो है मनस्वस्थता। मनस्वस्थता किसको कह रहे हैं, सुख शांति संतोष आनंद। तो अल्टीमेट जो पर्पज है वो हर मानव के अंदर मनस्वस्थता का हो जाना, सुख शांति संतोष आनंद का अनुभव कर पाना, ये अल्टीमेट हमारा पर्पज है समझने समझाने का, ठीक है। तो इन चारों, है ना, जब हम परावर्तन की बात कर रहे हैं तो परावर्तन में, है ना, इन चारों का पुष्ट होना आवश्यक है ना।
इनकी अर्थात उत्पादन, न्याय, मानवाकांक्षा, जीवन आकांक्षा सार्थक होने की स्वीकृति हर मानव में सहज है। तो हर मानव क्या चाहता है? हर मानव उत्पादन चाहता है ना, हर मानव समृद्धि से जीना चाहता है, हर मानव न्याय चाहता है, ठीक है, ये हर मानव चाहता ही है। दूसरी बात क्या है कि हर मानव मानवाकांक्षा है ना, उसको उसकी तृप्ति चाहता है, मतलब अभ्युदय चाहता है, सर्वतोमुखी समाधान चाहता है। और हर मानव जीवन आकांक्षा मतलब सुख शांति संतोष आनंद या मन स्वस्थता को प्रमाणित करना चाहता है। मानव का जो अल्टीमेट गोल है मन स्वस्थता को प्रमाणित करना। मानव की परिभाषा भी हमने देखा है कि किस तरह से मानव मनाकार को साकार करने वाला और मन स्वस्थता को प्रमाणित करने वाला है ना। तो जब मन स्वस्थता प्रमाणित होती है तो ही मानव की पूरी परिभाषा बन पाती है, और मन स्वस्थता के प्रमाण के बाद ही ये जो मनाकार स्वरूप में जिन वस्तुओं को मानव ने निर्माण किया है उसका सही उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजन हमको स्पष्ट होता है। अगर मन स्वस्थता स्थापित नहीं हुई, मन स्वस्थता की प्राप्ति नहीं हुई, तो हम इन वस्तुओं का भी दुरुपयोग करते हैं, उसका भोग, अतिभोग, बहुभोग पूर्वक दुरुपयोग में लगे रहते हैं। इससे वो मानव के लिए वह भी कोई उपयोगी सार्थक सिद्ध नहीं होता है। हर मानव का समझदार होना एक साधारण घटना है, सामान्य घटना है, सबसे वांछित घटना है। कितना ब्यूटीफुल, अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल, कितना सुंदर बात यहां बाबा जी कह रहे हैं कि समझदार होना सबसे एक साधारण घटना है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं है, बड़े ऐसा नहीं है। पहले क्या था, साधना विधि से है ना, जो अंतिम उपलब्धि है, अनुभव है या समझदारी है, वो बहुत ही दुरूह है, हर आदमी इसको नहीं पा सकता है, कोई बिरला ही पाएगा। अब यहाँ पे क्या करें कि ये सबसे सामान्य घटना यही है, समझदारी। हर बच्चा जन्म से ही इसकी ओर लगा हुआ है, हर मानव समझदारी को ही चाहता है। हम ना भी समझते हो तो भी हमको लगता है कि हम समझदारी हैं एक लेवल पे। दूसरे बात के ये एक सामान्य घटना है ना, असामान्य घटना नहीं है। तो समझदारी एक सामान्य घटना है, एक साधारण घटना है, और तीसरी बात है एक वांछित घटना है, हम सब चाहते ही हैं इसको। तो ये एकदम पूरा होने वाला कार्यक्रम है। और अस्तित्व में हम जब देखते हैं, हम जब अध्ययन करते हैं, जानने माने के बिंदुओं को देखते हैं, तो अस्तित्व से अस्तित्व है, विकास क्रम विकास है, उसमें जागृति क्रम जागृति है। तो जागृति ये अस्तित्व का इसके उसके इनबिल्ट डिजाइन है। तो समझदारी हम होना ही चाहते हैं और समझदारी हो सकते हैं, और ये बहुत ही इजीली होता है, इसके लिए ये सभी को हो सकता है ना। ये बहुत ही अच्छी लाइन इसके अंदर है ना, बहुत ही इंस्पिरेशनल प्रेरणादायी बात लिखी गई है। और अगर हम ठीक से इस किताब को पढ़ते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं, तो ये भी टुवार्ड्स द एंड लगने लगता है कि समझदारी है ना, जिस तरह से हमने कल भी देखा कि कितना सहज ढंग से इतने कॉम्प्लेक्स चीजों को, जितने जिसमें हजारों साल से पूरा विज्ञान और सब लोग मिलकर लगे हुए, इतने सहज ढंग से पूरा का पूरा बाबा जी ने बहुत ही सामान्य ढंग से रख दिया, और हम सब उसको, हम सब में स्वीकारने की बात उस अच्छे से दिखाई देती है ना। तो इसी आधार पे हमको लगता है कि जैसे जैसे हम परावर्तन प्रत्यावर्तन की क्रिया को चैप्टर को पूरा करेंगे, हम देखेंगे कि ये बिल्कुल ही सही उतरता है, और हमारा विश्वास ये बनता है कि हम सब इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। समझदारी के साथ ही फल परिणाम तृप्ति का स्रोत बनना आवश्यक है। तो समझदारी के साथ क्या है, फल परिणाम ऊपर हमने अभी देखा, तो फल परिणाम तृप्ति का स्रोत बनना, जो भी उसका रिजल्ट फल परिणाम आया वो तृप्ति का सोर्स बनता है। तो तृप्ति का सोर्स हमारे फल है, परिणाम है ना, फल परिणाम ही है। फल परिणाम क्या है आगे लिखते हैं, तो फल परिणाम महत्वाकांक्षा सार्थक होने से है। तो फल परिणाम किसके सार्थक होने से, महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा क्या है, अभी बताया, अभ्युदय, समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व ही हम अंतिम हमारा फल परिणाम है, उसका प्रमाण, उसकी परंपरा। तो महत्वाकांक्षा सार्थक हो जाए, सार्थक होने का मतलब है प्रमाण उसका मिल जाए, उसकी परंपरा बन जाए, तो उस जगह हम देखते हैं कि फल परिणाम मिल गया।
समझदारी का प्रमाण भी मानवाकांक्षा के सार्थक होने से है। तो समझदार क्यों होना है उसका भी जो अंतिम बात है, समझदारी का अंतिम प्रमाण क्या है, मानवाकांक्षा। तो इस तरह से समाधान समृद्धि अभय सहस्त्र रूपी जो मानव लक्ष्य है उसका, उसकी प्राप्ति, उसका प्रमाण, उसकी परंपरा, वो सभी तक पहुंच जाए, सभी उसको मिल जाए, यही समझदारी का प्रमाण है। तो जो हम प्रत्यावर्तन परावर्तन की क्रिया कर रहे हैं तो उसमें मानवाकांक्षा की उपलब्धि ही है ना, जो मानवाभिलाषा है उसकी उपलब्धि ही अंतिम बात है। मानव का संपूर्ण कार्य व्यवहार की सार्थकता भी मानवाकांक्षा का सार्थक होना है। तो जो भी मानव कार्य करता है और व्यवहार करता है, प्रकृति के साथ जो हम कार्य कर रहे हैं, मानव के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उसका भी जो अल्टीमेट है वो यही है, मानवाकांक्षा का सफल होना है ना, सर्वतोमुखी समाधान जो है वो प्रमाणित होना। मानव की संपूर्ण व्यवस्था प्रक्रिया भी मानवाकांक्षा के सार्थक होने से है। अब उसके आगे क्या कह रहे हैं, समझदारी के साथ साथ जितनी हम व्यवस्थाएं बनाते हैं उसका भी अगर कोई किसी चीज से लेना देना है, हम व्यवस्था क्यों बनाएंगे, हम शिक्षा क्यों, हमको शिक्षा और व्यवस्था का निर्माण क्यों करना है, इसलिए ताकि वो मानवाकांक्षा सफल हो, अभ्युदय स्थापित हो, सर्वतोमुखी समाधान का प्रमाण हो, इसीलिए व्यवस्था भी चाहिए। अभी क्या है व्यवस्था, ये जो हमने व्यवस्था बनाया है इसके जस्ट उल्टा, इसमें ना तो मनुष्य को समाधान, समाधान के बदले में समस्या बढ़ता जा रहा है ना, समृद्धि के बजाय हम लोग अमीर गरीब होते जा रहे हैं, दरिद्रता में फंसते जा रहे हैं, चारों तरफ हर एंगल पे भय बना हुआ है ना, और हर एंगल पे असंतुलन हमको दिखता है, चाहे स्वयं के साथ हो, परिवार के साथ हो, समाज में हो, प्रकृति के साथ हो, कहीं भी हमको संतुलन दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से हमने व्यवस्था बना दिया। दूसरा, इस व्यवस्था से को देखते हुए हर आदमी अभी निराशा में चला गया है। आप किसी को पूछ ले, क्या अगर आप ऐसा पूछिए क्या एक आदमी निरंतर सुखी हो सकता है, अगर ऐसा पूछा जाए तो पहला जवाब आता है नहीं, नहीं हो सकता है। क्या परिवार में हम सभी बिना गिला शिकवा शिकायत के, बिना विरोध के है ना, बिना लड़ाई झगड़े के बिल्कुल संगीत पूर्वक न्याय पूर्वक जी सकते हैं, क्या सारा परिवार ऐसा जी सकता है, तो उत्तर आता है नहीं जी सकता है। क्या समाज में ऐसा हो सकता है कि हम युद्ध मुक्त, भय मुक्त है ना, गरीबी मुक्त, असमानता से मुक्त ऐसा समाज बना सकते हैं, उत्तर आता है नहीं बना सकते। क्या हम धरती पे ऐसा जी सकते हैं कि हमारा प्रोग्रेस हो और धरती का संतुलन बना रहे, ऐसा संभव है, नहीं हो सकता है, आज नहीं तो कल धरती को खत्म होना ही है। इस तरह से हमने जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम का ये फल है कि हम हर चारों तरफ से हम निराशा से घिरे हुए हैं। आप एक सामान्य व्यक्ति से बात कर लीजिए, आपको लगेगा कि कितना उसके अंदर निराशा है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसका उल्टा, कि जो व्यवस्था है, व्यवस्था किस बात को पोषण करना है, वह है मानवाकांक्षा को सफल बनाना है। क्या है मानव की आकांक्षा, सर्वतोमुखी समाधान। तो सर्वतोमुखी समाधान सफल हो इसके लिए व्यवस्था का काम है, व्यवस्था का रोल यह है। मानवीय व्यवस्था, मानवीय शिक्षा, मानव के सोच विचार की सार्थकता यदि कुछ है तो वह केवल मानवाकांक्षा का पूरा होने से है। इसमें मुख्य बात यही है, अर्थात यह सब कहने का मुद्दा यही है कि मानवाकांक्षा पूरा होने से जीवनाकांक्षा पूरा होता ही है। तो अल्टीमेट जो बात है ये पूरा हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, मानवाकांक्षा की पूरा हो जाए इसके लिए परावर्तन प्रत्यावर्तन क्रिया की बात है, ठीक है। और यह पूरा होता है, अगर मानवाकांक्षा पूरा होता है ना, तो ही जीवन आकांक्षा पूरा होता है, तो ही जो जीवन की चीर आकांक्षा है, सुख की पिपासा जो जीवन में है, शांति की पिपासा जो जीवन में है, संतोष की पिपासा जो जीवन में है, आनंद की पिपासा है जो जीवन इससे सदा सदा तृषित है, इस तृष्णा को पूरा किया जा सकता है, इसकी तृप्ति हो सकती है, मनुष्य सुखी हो सकता है, कब, जब मानवाकांक्षा पूरा होता है।
तो एक तरह से जो हमारा कार्यक्रम है वो है मानवाकांक्षा का पूरा होना। इसका जो फल है जीवन में वो है सुख का अनुभव, निरंतर सुख का अनुभव। और इसी तरह से मानव की, इस सुख के साथ ही मानव की परिभाषा पूरी होती है। हम मानव स्वरूप में जो हमारी परिभाषा है, हम अपने परिभाषा में पूर्ण होते हैं, अदरवाइज हम मानव की परिभाषा में अधूरे हैं। अभी परावर्तन में इस बात का जिक्र आ चुका है कि समझे हुए को समझाना, सीखे हुए को सिखाना, किए हुए को कराना। तो परावर्तन क्या है? बड़ी सुंदर बात आ गई फिर से, वह है परावर्तन है उपकार, है ना। परावर्तन है जो भी हमने समझा है उसको समझाना, सीखा हुए को सिखाना, किए हुए को कराना। और इसी के साथ ही पीढ़ी दर पीढ़ी एक परंपरा बनने की बात आती है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो परंपरा बनेगा, और परंपरा है बनेगा तो हम सब बने रहेंगे। अगर परंपरा है तो फिर धरती पे पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और मानव सदा सदा बना रहेगा। इसके अलावा कोई चीज होता है तो वह है अनुमोदन। अनुमोदन भी इन तीन अर्थों के में सार्थक होना पाया जाता है। तो हमने अनुमोदन, अगेन शुरू में जब हम कर्म दर्शन पढ़ रहे तो अनुमोदन को काफी अच्छे से कर रहे थे कि किस तरह से हम समझे हुए समझाते हैं, सीखे हुए सिखाते हैं और कियो कराते हैं, और जो दूसरा ऐसा कर रहे हैं उसके साथ हमारा अनुमोदन है ना। इस ढंग से कृत कार्य अनुमोदित विधि से मानव परावर्तित होता है। तो परावर्तित होने का क्या तरीका निकला? कृत कार्य अनुमोदित, तीन तरीके से मानव परावर्तित होता है। मानव परावर्तित होने से तात्पर्य ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता का ही मूल मौलिक स्वरूप है। अब परावर्तन क्यों ये बात आ गई? तो उसका मूल जो कारण है, मानव में ज्ञान संपन्नता होना, विवेक संपन्नता होना और विज्ञान संपन्नता होना। ज्ञान संपन्नता जिसको हम लोगों ने बहुत बार अभी कर चुके हैं, जो लोग शायद बिल्कुल नए हो उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। ज्ञान का मतलब है, तीन तरह की ज्ञान की बात कर रहे हैं जिसको हम सहस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान कह रहे हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान स्वीकृति की चीज है। विवेक क्या है? निश्चयन, जीने में जो निश्चयन है विवेक पूर्वक है, सही गलत का निर्धारण विवेक पूर्वक है। तो जब ज्ञान हुआ उसके बाद ही विवेक उदय होती है। विवेक में भी तीन बातें आती है, जीवन का अमृत, शरीर का नश्वरत्व, व्यवहार के नियम। ये तीन बातें विवेक में है। अगर ये तीनों हमको स्पष्ट हैं तो ही हम सही गलत का सही से निर्धारण कर पाते हैं, तो ही मानव लक्ष्य निश्चित हो पाता है ना। और इस निश्चयन के साथ फिर तीसरी जो बात आती है वो है विज्ञान। विज्ञान क्या है? एक तरह से दिशा निर्धारण। ये जो हमारा निश्चय हुआ उस अर्थ में वो कैसे पूरा हो, उसका दिशा निर्धारण विज्ञान के जरिए। और विज्ञान में भी तीन बातें मोटे मोटे हैं, वो है निर्णयवादी ज्ञान, क्रियावाद कालवादी ज्ञान और क्रियावादी ज्ञान। तो ये तीन बातें हैं। इसमें जो तीनों का अंतिम तीन बात है, एक तो है मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान, और दूसरा है मान जो व्यवहार वाला बात है, और तीसरा जो बात है निर्णय, ये आपस में जुड़ा हुआ है बहुत गहरे से। तो निर्णय हम देखते हैं तो जीने में ही सारे निर्णय हैं, और निर्णय को अगर देखते हैं तो निर्णय क्या है? वही चीज है जो पहले व्यवहार सिद्ध है, प्रयोग सिद्ध है, व्यवस्था सिद्ध है, उसी को हम निर्णय करते हैं कहते हैं। तो आगे चलते हैं। इस तरह से हम देखते हैं मानव में परावर्तित होने से तात्पर्य ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता ही मानव का मूल मौलिक स्वरूप है, यही परावर्तित होता है। तो परावर्तित हमारा ज्ञान विवेक विज्ञान ही परावर्तित होता है। परावर्तित होने का तात्पर्य ऊपर कहे गए कृत कारित अनुमोदित विधियों से प्रमाणित होने से ही है। ऐसे परावर्तन क्रम में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में मानव का मूल्यांकन हो जाता है। बड़ी सुंदर लाइन, अगेन हर लाइन इतना बहुत ही जोरदार लाइन है। अब मानव का मूल्यांकन अगर देखते हैं तो मूल्यांकन जो भी हम कर रहे हैं, है ना, हम एक परिवार में हो या परिवार समूह में हो, गांव में रहते हो, कोई भी क्रिया करते हो, हम मूल्यांकन कैसे करेंगे? मूल्यांकन का बेसिस क्या होगा? तो मूल्यांकन का जो आधार है वह है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था।
तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में ही सही सही मानव का मूल्यांकन हो पाता है, और अभी तक मानव का मूल्यांकन नहीं हुआ। जो भी हमने मानव के बारे में सोचा समझा निष्कर्ष निकाले, या तो अधिमूल्यन हमने मानव के किया है, या अवमूल्यन किया है, या निर्मूल्यन किया है। तो मानव का मूल्यांकन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था जो मानव की गम्य स्थली है ना, शुरू में हमने देखा, वो अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ। अगर वो बात ध्रुवीकृत नहीं होती है तो हम अपना मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो भी मानव के जीने का जो भी फैलाव है, जो भी आयाम है, उन सब को अगर हम देखते हैं तो उसका जो मूल्यांकन है वो अखंडता सार्वभौमता के साथ जुड़ा हुआ है। अखंड समाज विधा में मानव आवश्यकता की ख्याति हो जाती है अथवा सूत्र व्यवस्था हो जाता है। तो अखंड समाज विधा में ही मानव की आवश्यकता की ख्याति हो जाती है, मतलब उसकी पहचान हो जाती है। ख्याति का मतलब है पहचान होना, है ना। सूत्र व्यवस्था हो जाता है, सूत्र का मतलब समझ आना। क्या, किस बात को? मानव की आवश्यकता। तो मानव की क्या आवश्यकता है अगर आज हम देखें तो क्या मानव की आवश्यकता है? हम जब अध्ययन कर रहे हैं परावर्तन प्रत्यावर्तन की बात करें तो आवश्यकता क्या है? तो मानव की आज तीन मोटे मोटे आवश्यकता है। हर मानव की यही आवश्यकता है, पूरे धरती के जो भी मानव, तीन हमारी आवश्यकता है। एक है धरती का संतुलित रहना। अगर धरती संतुलित नहीं है तो मानव नहीं बना रहेगा, मानव खत्म हो जाएगा। दूसरा है ऋतु का संतुलित होना, और तीसरा है ऐसी व्यवस्था जिससे मानव इस धरती पे सदा सदा अक्षुण बना रहे। ये तीन हमारी मौलिक आज आवश्यकता है, है ना। और अगर आज दुनिया में देखते हैं तो तीन बड़े चैलेंज है। क्या चैलेंज है हमारे सामने? एक है धरती तापग्रस्त है, दूसरा क्या चैलेंज है? प्रदूषण, और तीसरा हर मानव समुदाय असुरक्षित है। ये हमारी वर्तमान की स्थिति है, है ना। और चाहिए क्या? वो है धरती का संतुलित रहना, ऋतु संतुलित होना, और मानव ऐसी व्यवस्था जिससे मानव इस धरती पे सदा सदा बना रहे। ये हमारी आज आवश्यकता है। इस आवश्यकता के आधार पे ही हम ये आवश्यकता तब जब अब पूरा कैसे होगा उसके लिए फिर वही अखंडता की बात है। तो जब तक हम मानव को अखंड स्वरूप में नहीं पहचान पाते हैं, सार्वभौम व्यवस्था स्पष्ट नहीं होती है, ये हम ध्रुवीकृत नहीं कर पाएंगे। तीसरी विधि से अर्थ व्याख्या हो जाता है। मानव आवश्यकता के अर्थ में परिवार व्यवस्था से सार्वभौम व्यवस्था में मानव की बात स्पष्ट हो चुकी है। तो अगर हमको धरती पे ताप का संतुलन चाहिए, धरती संतुलित देखना है, मानव इस पे हमेशा बना रहे ये देखना है, ऋतु संतुलित रहे ये देखना है, तो इसके लिए क्या कह रहे हैं? क्या प्रमाणित होना? धरती पे परिवार व्यवस्था से, है ना, तभी होगा। तो जब परिवार व्यवस्था से सार्वभौम व्यवस्था में मानव की बात, उससे कम में नहीं हो सकता है, इससे कम में, इस व्यवस्था से कम में ये एड्रेस नहीं हो सकता है। जो हमारा चैलेंज है मानव की जाति के सामने, उस चैलेंज को हम एड्रेस नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए संपूर्ण ज्ञान विवेक विज्ञान सूत्र से व्याख्या तक पहुंचता है, है ना। तो व्याख्या कैसे होती? जीने में जो व्याख्या है उसके लिए ज्ञान विवेक विज्ञान से ही वो व्याख्या है, अदरवाइज वो व्याख्यायित नहीं होता है, जीने में उसका प्रमाण नहीं मिलता है। तो व्याख्या होने के लिए ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता, इसी ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता के लिए शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा और फिर व्यवस्था, जीने का मॉडल, ठीक है। यही जागृत मानव परंपरा का प्रमाण है। इतना अगर हुआ तब हम बोलेंगे कि ये जागृत मानव परंपरा है। तो ये जो है उसको हम कह रहे हैं जागृत मानव परंपरा। एत एव मानव सहज जागृत प्रवृत्ति, है ना, सुस्पष्ट हो गया। तो इस तरह से मानव सहज जागृत प्रवृत्ति, जागृत प्रवृत्ति मतलब मानवत्व सहित जो आचरण है ये हमको स्पष्ट हो गया। इसे स्पष्ट करना ही प्रमाण। प्रमाण के लिए जितने भी कार्य व्यवहार करेंगे ये सब परावर्तन है।
तो प्रमाण के लिए जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं, ये सारा परावर्तन की बात है। परावर्तन लक्ष्य पूर्ति प्रमाणित हो जाती है, आशय पूर्ति हो जाती है ना। तो परावर्तन लक्ष्य पूर्ति प्रमाणित हो जाती है, किस कौन से लक्ष्य? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है ना, वो उसका। सर्व शुभ सुंदर समाधान पूर्ण अपेक्षा सार्थक हो जाती है। नीचे बहुत अच्छे से आशय क्या है, किस आशय से, मानव सुख के आशय से सारे काम करता है, बहुत अच्छे से आता है अगले पैराग्राफ में आप देखेंगे। सुखी होना आशय है, तो मानव किस आशय से कोई काम करता है, सुखी होने के आशय से। जो भी हम काम करते हैं, अभी हम यहां समझने समझाने में लगे हुए हैं, ये सुखी होने के आशय से काम है। मानव लक्ष्य क्या है? समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व में जीता हुआ प्रमाण, और अपेक्षा सार्वभौमता और अखंडता ही अपेक्षा है। आशय लक्ष्य अपेक्षा अपने आप में पूरक विधि से सार्थक हो जाते हैं। तो जो मानव का आशय है ना, सुखी होने का आशय, जो मानव का लक्ष्य है समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व, और जो मानव की चीर आकांक्षा है, चीर अपेक्षा है ना, वो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक पे काम करते हैं दूसरा होता है ना, तो सब एक साथ जुड़े हुए हैं, एक ही बात है आप कह सकते हैं, इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो यदि हमको सुखी होना है तो हमको समाधानित होना है, समाधानित होने के लिए हमको एक व्यवस्था बनाने की बात है, हमको परिवार व्यवस्था से लेकर विश्व परिवार व्यवस्था तक के बारे में सोचना होगा, तो ही समाधान होगा है ना, और तभी हम सुखी होते हैं। और ये एक दूसरे के पूरक है, एक पे काम होता है तो दूसरा उससे होता ही है। लक्ष्य जब पूरा होता है समाधान सुख रूप में, समृद्धि समाधान समृद्धि शांति रूप में, समाधान समृद्धि अभय सह संतोष के रूप में, और समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व आनंद के रूप में अनुभव होता है। तो यदि लक्ष्य पूरा हुआ तो समाधान किस रूप में होता है? सुख के रूप में। समाधान के साथ ही फिर समृद्धि की बात आती है, समाधान ना हो और समृद्धि हो जाए ऐसा नहीं है। तो व्यक्ति में समाधान और परिवार में समृद्धि, ये समाधान समृद्धि होने का जो फल है जीवन में वो शांति के रूप में, और इसी के साथ समाज में एक व्यवस्था है ना। तो जब हम समाधान समृद्धि अभयता समाज के लेवल तक जाते हैं तब हमारे अंदर एक संतोष का अनुभव, और जब पूरे धरती पे एक सुंदर व्यवस्था सज गई, इससे सहस्तित्व जब प्रमाणित हुआ तो हमारे अंदर आनंद का अनुभव। इसी क्रम में सहस्तित्व में अनुभव, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में अनुभव, आवश्यकता से अधिक उत्पादन स्वतंत्रता का अनुभव, हर गतिविधि में समाधान का अनुभव ही सुख शांति। तो किस रूप में कह रहे हैं? सह अस्तित्व में अनुभव। तो अनुभव कहाँ कहाँ है? सह अस्तित्व का अनुभव हो जाए, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में अनुभव, आवश्यकता से अधिक उत्पादन में है ना स्वतंत्रता का अनुभव, और हर गतिविधि में समाधान का अनुभव। इसी को कह रहे हैं सुख शांति संतोष आनंद है ना। इस रूप में सुख शांति संतोष आनंद को पहचाना जा सकता है। इसे हर आदमी अपने अनुभव की कसौटी में जांच सकता है। इसे जीने के उपरांत ही हम फल परिणाम को सत्यापित किए हैं, लोक व्यापीकरण करने में ही संतुष्टि है। तो हर आदमी इसके अनुभव की कसौटी में जांच सकता है। पहले क्या बात आई? अनुभव को जाना नहीं जा सकता है, अनुभव को बताया नहीं जा सकता है, इसको आप है ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब क्या कह रहे हैं? इसको हर मानव जांच सकता है, इतना ये एविडेंस है इसका, फुल प्रूफ एक कार्यक्रम है ना। दूसरा क्या बात है कि इसे जीने के उपरांत ही फल परिणाम को सत्यापित किए हैं, और जो लास्ट लाइन है कि लोक व्यापीकरण करने में ही संतुष्टि है। संतुष्टि कहाँ है?
इसके लोक व्यापीकरण करने में। अभी जो हम लोग एक क्लास कर क्या कर रहे हैं, लोक व्यापीकरण करने का कार्यक्रम। तो ये लोक व्यापीकरण करने से ही हमको संतुष्टि होती है, हम अपने में सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि मानव फैलकर जीना ही चाहता है, क्योंकि मानव सभी से मानव का संबंध है ही। तो ये बात पूरी मानव जाति तक पहुंच जाए, इसमें लगना और इससे हमारे अंदर संतुष्टि। तो लोक व्यापीकरण का महत्व काफी इंपॉर्टेंट है। और बाबा जी को आप देखते हैं तो जीवन का जितना आप लंबे समय हम लोगों ने देखा, उनका हर सांस, है ना, एवरी सिंगल ब्रेथ, कैसे ये बात है ना सब तक पहुंचे। तो बाबा जी जीते हुए ये बात सभी तक पहुंचे, आप हम लोग जब जाते रहे तो आप देखते हैं कि आपको समझना है। अच्छा, बाबा जी समझना है कब, जब आप तैयार हैं। हम लोग तो कई बार देखे 3 बजे भोर में ही उठकर बातचीत चल रही है, कोई बहुत महत्वपूर्ण है तो बहुत अर्ली मॉर्निंग में वो शुरू कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से देखते हैं कि कितना वो हर समय इसमें लगे हैं, पूरे लाइफ में इसमें उन्होंने लगाया हुआ है। तो अगर हम भी करते हैं ऐसा, तो ये जो लोक व्यापीकरण है, समझाने की जो बात है, जी करके उसको मॉडल करने की जो बात है, इसी से हमारा समझदारी भी इससे जुड़ा हुआ है ना। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, समझना और समझाना, समझाना और समझना एक दूसरे के पूरक है, अलग नहीं है। हर व्यक्ति अनुभवगामी विधि से अध्ययन, शोध, परीक्षण, निरीक्षण पूर्वक अनुभव और परावर्तन में अनुभव मूलक प्रणाली से मानवाकांक्षाओं को प्रमाणित करना हो जाता है। तो दो विधियों की बात अब आ गई, जब हम अध्ययन कर रहे हैं, है ना, परावर्तन प्रत्यावर्तन की बात कर रहे हैं, तो दो विधियों को इंडिकेट करा रहे हैं। एक तो है अनुभवगामी विधि, तो जो अध्ययन है, जो शोध है ना, वो अनुभवगामी विधि से अध्ययन होता है, और अनुभव मूलक प्रणाली से जो मानवाकांक्षा है, अभ्युदय है, सर्वतोमुखी समाधान, उसका प्रमाण होता है। इस प्रकार अध्ययन बोध अनुभव मूलक विधि से, है ना, अनुभव मूलक प्रणाली पूर्वक मानवाकांक्षा के अर्थ में जीना बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अध्ययन बोध अनुभव मूलक विधि से अनुभव मूलक प्रणाली पूर्वक मानवाकांक्षा के अर्थ में जीना बन जाता है। यही अध्ययन का मूल उद्देश्य है, अध्ययन इसीलिए कर रहे हैं। अनुभव मूलक विधि से जीने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने के क्रम में ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का प्रमाण होना, क्रम से समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व में प्रमाण हो जाना, हर जागृत व्यक्ति का पहचान हो पाता है। तो अब इस अनुभव मूलक विधि से हम जब जीने जाते हैं, तो उससे क्या होता है, कह रहे हैं बड़ी सुंदर बात कि इसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारा ये व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही। आज देखिए हम लोग ऑनलाइन पे बात कर रहे हैं और लगभग मेरे ख्याल से 50 से 100 लोगों के बीच तो तत्काल ही इसमें जुड़े हुए हैं, है ना। एक समय अभी 10-15 साल पहले की बात है कि 10 आदमी को खोजना मुश्किल होता था, है ना, 20 साल पहले की बात है, अभी इतने लोग हैं। और ये तो डायरेक्ट जुड़े हैं, इस कितने इनडायरेक्ट लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसे मानव से मानव जुड़ते जा रहे हैं, है ना। तो जिस तरह से इसमें संख्या में वृद्धि होगी, इस तरह से हमारा विश्वास जो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित हो जाने में, ये हमारा विश्वास और पुष्ट होता जाएगा, है ना, और इसमें हम आपस में जुड़ते चले जाएंगे। इतना ही नहीं, हर नर नारी जागृत होना चाहते ही हैं, इसलिए जागृत होने योग्य शिक्षा का लोक व्यापीकरण करना ही एकमात्र उपाय है। अब इसमें आपको हम लोगों को पूरा काम करना ही नहीं है, एक बड़ा काम ये है, हो गया है, ऑलरेडी हो के रखा है कि हर मानव ऐसा चाहता ही है। तो हर मानव जागृत होना चाहता है, ना समझी के साथ कोई जीना नहीं चाहता है, भ्रम में कोई रहना नहीं चाहता है, दुख को कोई चाहता नहीं है, समस्या को कोई वरता नहीं है। हर आदमी समाधान चाहता है, हर आदमी सुखी होना चाहता है, हर मानव है ना जागृत होना चाहता ही है। अब उस चाहत में हमारा थोड़ा सा प्रस्ताव, इसके साथ क्या हुआ, काम पूरा हो गया, है ना। तो लोक व्यापीकरण एक सहज कार्यक्रम है, ये भी अपने को समझ, ये दुरूह काम नहीं है। अगर ये नहीं हम
कर पा रहे हैं, अगर हम दूसरे तक ठीक से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ऐसा इसलिए नहीं कि दूसरा नहीं ले पा रहा है, ऐसा इसलिए कि हम शायद उस रूप में से प्रस्तुत ही नहीं हो पा रहे हैं जिस रूप में वो लेना लेने में अभी सक्षम है, उसकी जो पात्रता है उसके अनुसार हम नहीं दे पा रहे हैं। मानवीय शिक्षा में मानव में से के लिए आवश्यकी सभी मुद्दे अध्ययन के लिए वस्तु है। तो जब हम मानवीय शिक्षा की बात करते हैं तो ये सारे मुद्दे है ना, जो मानव में से के लिए आवश्यक है, सारे मुद्दे का अध्ययन आवश्यक है, वो सारे मुद्दे अध्ययन का वस्तु है। ठीक है, अगर कोई प्रश्न, मैं एक काम कर रहा हूं कि जो इधर कमेंट आ रहे हैं उसको मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैं क्वेश्चन अंत में लूंगा, है ना। इस ढंग से अब देखिए, अब आगे अध्ययन का वस्तु, हमको अध्ययन किस चीज का करना है, क्या अध्ययन करना है ना, ये वाली बात यहाँ पे स्पष्ट कर दे। इस ढंग से मानव परंपरा उत्तरोत्तर जागृत होने के रूप में परावर्तित रहता ही है। प्रत्यावर्तन में सुख शांति संतोष आनंद से सराबोर रहता ही है ना। मानवाकांक्षा अपने आप में कार्य व्यवहार व्यवस्था विधि से प्रमाणित होता ही है, यही जीने का तात्पर्य है। इसको कह रहे हैं जीना, जब जीना कह रहे हैं तो ये जीना है ना। अर्थात कार्य लक्ष्य और प्रयोजन प्रमाण होना, उसकी निरंतरता बने रहना ही जीने का तात्पर्य है। ठीक है, तो प्रयोजन हम लोगों ने अभी पीछे देखा, प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है और कार्य क्या है, उसको ये उसको हम लोगों ने अभी थोड़े समय पहले देखा था। मानव कुल में से ज्ञान विज्ञान विवेक प्रमाणित होता है, तो मानव कुल में ही ज्ञान विज्ञान विवेक प्रमाणित हो सकता है और इसकी कहीं संभावना नहीं है, यही निर्विवाद स्वत्व का स्वरूप है ना। यह निर्विवाद स्वत्व, स्वत्व ये इसी को कह रहे हैं स्वत्व। तो मानव का जो स्वत्व है वो स्वत्व क्या है, समझदारी है ना, होने के रूप में समझदारी को मानव का जो स्वत्व है वो हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि इसी के साथ मानव जो है मानवीय चेतना के आधार पर आचरण कर सकता है। इसके पहले अगर ज्ञान विवेक विज्ञान प्रमाणित नहीं है, है ना, तो मानवीयतापूर्ण जो आचरण है उसको हम नहीं देख सकते हैं, समझदारी हमारा स्वत्व नहीं बन सकता है। अभी जब हम स्वत्व की बात करते हैं, जिस स्वत्व की बात, वो स्वत्व नहीं है। जैसे अभी हम लोग स्वामित्व है ना, स्वत्व क्या देखते हैं, पैसे से, धन से, है ना, तो धन हमारा स्वत्व नहीं है, आज है वो कल दूसरे के पास चला जाता है। शरीर भी हमारा स्वत्व नहीं है, तो जो स्वत्व है वो है समझदारी, यही हमारा स्वत्व है मानव का। उसी समझदारी को क्या कह रहे हैं, ज्ञान विवेक विज्ञान। तो ज्ञान विवेक विज्ञान ही हमारा स्वत्व है, वो हमारे साथ बना रहता है। ऐसे स्वत्व परावर्तन में सार्थकता का आकलन और स्वीकृति के आधार पर ही स्वत्व में आकलन बनता ही रहता है, निरंतर श्रेष्ठता की ओर हमें आकलन बनता ही रहता है, निरंतर श्रेष्ठता की ओर हम अपने में से प्रमाणित होना बनता ही है। तो इसी तरह से हम निरंतर श्रेष्ठता की ओर, श्रेष्ठता को हम कैसे पहचानते हैं, तो जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ, मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठतर, देव चेतना से दिव्य चेतना श्रेष्ठतम। तो श्रेष्ठता तीन जगह पहचान में आई, श्रेष्ठता का हम चेतना के लेवल पे श्रेष्ठता है, मानव चेतना में श्रेष्ठता, देव चेतना और दिव्य चेतना, यहां पे श्रेष्ठता को हम देख रहे हैं। तो ये चेतना के आधार पे ही हमारा आचरण है, जो आचरण है वो चेतना से ड्रिवेन है, जिस लेवल का चेतना उस लेवल का आचरण। ठीक है, तो अगर हमको निरंतर श्रेष्ठता की ओर बढ़ना है तो उसके लिए ये जो ज्ञान विवेक विज्ञान है वो हमारा स्वत्व बनना ही होगा, तभी हम निरंतर श्रेष्ठता की ओर बढ़ते जाएंगे। एक बार प्रमाणित होने के बाद प्रमाण विधि में श्रेष्ठता की श्रृंखला बन जाती है ना, उसके अंदर एक क्रम बन जाता है, उसके अंदर एक सीक्वेंस बन जाता है, किसकी, श्रेष्ठता की।
यह प्रत्यावर्तन में दृढ़ता का सूत्र बनता ही है। तो यह क्या होता है कि प्रत्यावर्तन में दृढ़ता का सूत्र बनता है, इससे प्रत्यावर्तन समझदारी पुष्ट होती है ना। इस तरह से हम परंपरा का धारक वाहक होते जाते हैं। मानव में प्रमाण विधि से ही सार्थक पूंजी, प्रत्यावर्तन विधि से ही निरंतर प्रखर और वृद्धि होते ही जाता है ना। तो कह रहे हैं मानव में प्रमाण विधि से ही सार्थक, यही हमारी असली पूंजी है। जो सार्थक पूंजी है मानव की वह है प्रमाण विधि से, वही हमारे हाथ लगता है। कल्पना की विधि से कोई हमारे सार्थक पूंजी नहीं है, है ना। और इसमें अच्छी बात क्या है कि प्रत्यावर्तन विधि से जैसे हम इस ज्ञान विवेक विज्ञान है ना, इस समझदारी की ओर बढ़ते हैं, प्रत्यावर्तन ये निरंतर प्रखर होता जाता है। इसके अंदर ना जो समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व है जो मानव में ना अभ्युदय की कामना है, और जो मानव में जो आकांक्षा है वो उसके अंदर और प्रखर और वृद्धि होता जाता है, ये बढ़ता ही जाता है, उसके अंदर और तीव्रता आती जाती है। वृद्धि मतलब आज एक मुद्दे में प्रमाणित हुए, कल दो मुद्दे पे, परसों तीन मुद्दे में प्रमाणित होने की स्वीकृति समाहित होती जाती है। तो इस तरह से हम हर मुद्दे पे प्रमाण को देखते जाते हैं। यदि हम अगर आज परिवार में सज जाते हैं अच्छे से तो हमारा विश्वास बनता ही है कि हम परिवार समूह में भी अच्छे से सज जाएंगे, फिर गांव भी सज जाएगा, ऐसे पूरी धरती सज जाएगी, है ना। यदि हमारे अंदर ये विश्वास बनता है तो सभी ऐसा हो सकते हैं, ऐसा विश्वास बनता है। ये क्रम से एक के बाद दूसरा, दूसरे के पास तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये हमारा पुष्ट होता जाता है विश्वास। यह प्रत्यावर्तन क्रिया बोध और अनुभव में समाहित होते रहने से है, अर्थात स्वीकृति रहने में है, यही पुनश्च परावर्तन के लिए पूंजी बना रहता है। तो इस तरह से फिर से हमने प्रत्यावर्तन परावर्तन की बात देखी, किस तरह से प्रत्यावर्तन क्रिया बोध और अनुभव तक पहुंचाता है जिसको हमने शुरू में ही कहा, और उससे यह जो स्वीकृति में बना रहता है और फिर पुनः इससे परावर्तन के लिए हमारी पूंजी बन जाती है। इस तरह से सोर्स कभी खत्म नहीं होता है, ये निरंतर बना रहता है। इस तरह से मानव में शिक्षा और व्यवस्था पूर्वक इसकी है ना निरंतर परंपरा बन जाती है। ऐसे अनुभव ही बोध में समाधान के रूप में अवस्थित रहता है। तो जो बोध में समाधान है ना, ऐसे अनुभव ही जो अनुभव हुआ वो बोध में समाधान के रूप में अवस्थित रहता है। फलस्वरूप परावर्तन में हम समाधान को प्रमाणित कर पाते हैं। इसीलिए जीने में हम जब जीने जाते हैं तो उस जीने में हम समाधान को प्रमाणित करते हैं। अभी जीने में क्या है, चारों तरफ समस्या, चाहे व्यक्ति के लेवल पे हो समस्या है, परिवार के लेवल पे आप देखें तो समस्या है, समाज के लेवल पे समस्या है, अभी राष्ट्र के लेवल पे देखते हैं तो वहां भी एक समस्या है, और अंतरराष्ट्रीय के लेवल पे देखते हैं तो समस्या है। हम किसी भी जीने के लेवल में अभी समाधान को नहीं देख पाए। अभी क्या कह रहे हैं कि इस विधि से यदि हम करते हैं परावर्तित होते तो हर लेवल पे, व्यक्ति के लेवल पे, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र, हर लेवल पे हम समाधान को प्रमाणित कर पाते हैं। तो हम पांचों स्थितियों और दसों सोपान में समाधान को प्रमाणित कर पाएंगे। इस विधि से परावर्तन क्रिया अनुभव के लिए नित्य स्रोत होना प्रत्यावर्तन विधि से स्पष्ट होता है। तो ये जो परावर्तन है ये अनुभव के लिए नित्य स्रोत बना रहता है, हर मानव अनुभव कर सकता है। और वो तो इस तरह से जो स्नातक, जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था सस्ती है हमारी, उसमें ये लंबा कार्यक्रम ही नहीं है, मतलब हर मानव शिक्षा से गुजरेगा और एक समय बाद जाकर के अनुभव को पा लेगा, इतना सहज कार्यक्रम है। जागृति को प्रमाणित करने के लिए यही सूत्र और व्याख्या है, है ना। तो जागृति को प्रमाणित करने के लिए यही सूत्र व्याख्या है। तो सूत्र मतलब समझदारी और व्याख्या मतलब जीना। तो जागृति में दोनों बात आ गई, प्रत्यावर्तन विधि से समझना और परावर्तन विधि से उसका प्रमाण प्रस्तुत करना, सूत्र और व्याख्या, समझदारी है ना, समझना और जीना। हर प्रत्यावर्तन अनुभव सूत्र है,
जो भी प्रत्यावर्तन है क्या है, वो अनुभव सूत्र है। मतलब मन का प्रत्यावर्तन, मन क्या है, मन का प्रत्यावर्तन वृत्ति में, तो मन वृत्ति का अनुभव करता है, वृत्ति चित्त का अनुभव करता है, चित्त बुद्धि का अनुभव करता है, बुद्धि आत्मा का अनुभव करता है। हर प्रत्यावर्तन अनुभव सूत्र है ना। हर परावर्तन अनुभव सूत्र की व्याख्या है। जो भी परावर्तन है वो अनुभव सूत्र की क्या है, व्याख्या है। तो व्याख्या, अभी तक हम बोलते हैं कि बड़ी बड़ी लंबे लंबे भाषण देना वो व्याख्या है, वो व्याख्या नहीं है। जीने में प्रमाण, ये व्याख्या है। प्रमाण से ही व्याख्यायित, व्याख्या मतलब वो ख्यात होता है, उसकी उसकी प्रसिद्धि होती है, लोगों तक पहुंचता है, लोग उसको देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो उसकी ख्याति जो है, वो जो व्याख्यायित हो रहा है, वो जीने में प्रमाण के साथ है। इस विधि से मानव के स्वरूप का प्रमाण प्रत्यावर्तन में ज्ञान विज्ञान विवेक के रूप में, परावर्तन में कार्य व्यवहार व्यवस्था में भागीदारी के रूप में प्रमाणित होता है। कितना बढ़िया सुंदर, प्रत्यावर्तन परावर्तन को पूरा अगर आप समेट लीजिए तो कहाँ आ गया, प्रत्यावर्तन किस किस जगह पे देख रहे हैं प्रत्यावर्तन को, ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता के आधार पे। तो प्रत्यावर्तन का जो अंतिम उपलब्धि क्या है मानव में, ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता, और परावर्तन कार्य व्यवहार व्यवस्था में भागीदारी। इस तरह से मानव का समझना और जीना दोनों भाग पूरा हो जाता है। इस तरह से शिक्षा और व्यवस्था, ये दोनों एंगल से पूरा बात हो पाता है। और हमने पीछे स्थिति गति देखा, स्थिति गति में हमने पहले भी कि हर क्रिया में, हर क्रिया दो में दो है, स्थिति का होना और गति का होना। तो जो प्रत्यावर्तन है वो स्थिति की ओर है, परावर्तन गति है ना। बल शक्ति भी हमने पीछे देखा था, यही जागृत परंपरा है, इसी को हम जागृत परंपरा कह रहे हैं। पीढ़ी से पीढ़ी इसको बनाए रखना हर मानव का कर्तव्य और दायित्व है। तो जो मानव का अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अल्टीमेट जो ड्यूटी है, जो हमारा अंतिम जो बात है, जिसको हम सब की जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है हम सबकी, क्या दायित्व है हम सबका, और क्या हमारा सबका कर्तव्य है, इसको पीढ़ी से पीढ़ी तक बना के रखना है ना। शिक्षा और व्यवस्था की परंपरा को पीढ़ी से पीढ़ी तक बना के रखना, यही हमारा दायित्व है, यही हमारा कर्तव्य है। परावर्तन प्रत्यावर्तन क्रिया के संबंध में काफी अध्ययन हो गया है। कौन अध्ययन किया है इसको, बाबा जी ने अध्ययन किया है, और कौन, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका बहुत सारा अध्ययन हो चुका है। इस क्रम में परंपरा में चेतना विकास मूल्य शिक्षा संस्कार एक अनुस्यूत क्रिया है। तो इसके लिए जो क्या करना है, जो मुख्य काम है वो है चेतना विकास मूल्य शिक्षा संस्कार, एक अनुस्यूत निरंतर होने वाली क्रिया है। यदि हमको इसको बनाए रखना है, इसकी परंपरा को बनाए रखना है, तो ये कार्यक्रम निरंतर चलने वाली है। और परावर्तन विधि से अध्यापन, परावर्तन विधि से अध्ययन, प्रत्यावर्तन विधि से अध्ययन होना पाया जाता है। तो अध्यापन का जो काम है वो परावर्तन विधि से, और अध्ययन का जो काम है प्रत्यावर्तन विधि से, ये इस काम है। अध्यापन एक श्रुति अथवा भाषा होना सुस्पष्ट है ना। तो अध्यापन क्या है, यथार्थ का भाषाकरण है ना, श्रुति क्या है, यथार्थ का भाषाकरण, और भाषा में सुस्पष्ट होना जरूरी है। भाषा से ही सच्चाई का भास होता है, ये मिनिमम है। जब हम अध्ययन की परिभाषा पढ़ते हैं तो उसमें श्रवण मनन निधिध्यासन तीन क्रम में उस तरह से भी आता है। तो पहला काम है श्रवण, और श्रवण का मतलब है कि जब हम शब्द प्रस्तुत कर रहे हैं वो अर्थ के साथ, अर्थ लोगों तक पहुंच पा रहा है, अर्थ स्पष्ट हो रहा है। भाषा का अर्थ है अस्तित्व में वस्तु स्पष्ट सुस्पष्ट हो चुकी है। अभी इसके पहले क्या था, मानव में जो भाषा है उस भाषा से वस्तु स्पष्ट नहीं हुआ, बल्कि रहस्य में गया। तो वस्तु स्पष्ट नहीं होने के बजाय रहस्यता आई है ना, क्योंकि ये जो भाषा का निर्माण हुआ वो आदर्शवादी, आदर्शवाद में ही भाषा बना है, सारा भाषा आदर्शवाद बना है, लेकिन उसका अंतिम जो बात है वो रहस्य में चला गया। मतलब वस्तु क्या है, जैसे जीवन क्या वस्तु है, तो जीवन शब्द है लेकिन वस्तु पकड़ नहीं आया, वो रहस्य बना रहा है। ब्रह्म शब्द आया
ईश्वर शब्द आया, व्यापक शब्द आया, सत्य शब्द आया, न्याय शब्द आया, धर्म शब्द, ये सारे शब्द आए, आदर्शवाद नहीं दिया, लेकिन ये सारे शब्द को हम जब देखते हैं तो क्या दिखाई देता है कि ये सारे शब्द अल्टीमेट क्लियर नहीं हुए कि हम न्याय शब्द से किस वस्तु को इंडिकेट कर रहे हैं, धर्म शब्द किस वस्तु को इंडिकेट कर रहे हैं, सत्य से किस, तो वस्तु इंडिकेट नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि शब्द जो है, जो भाषा है, उस भाषा का अर्थ अस्तित्व में जो वस्तु है, वस्तु स्पष्ट हो गया हमको, है ना। यही प्रत्यावर्तन क्रिया है, इसी को प्रत्यावर्तन क्रिया कह रहे हैं। सह अस्तित्व में हर वस्तु बोध अनुभव मूलक विधि से परावर्तित हो पाती है। तो सह अस्तित्व में हर वस्तु बोध अनुभव मूलक विधि से, तो बोध कैसे परावर्तित होती है, अनुभव मूलक विधि से परावर्तित होती है। इस विधि में अध्ययन कार्य अनुभव गामी पद्धति से होना स्पष्ट हुआ। तो जो अध्ययन है वो अनुभव गामी पद्धति से स्पष्ट होता है। यही प्रत्यावर्तन की महिमा है अथवा उपलब्धि है। तो प्रत्यावर्तन की ये अंतिम उपलब्धि, अध्ययन हमारा आज हो पा रहा है, अध्ययन पूरा हो पाएगा। इस विधि से परावर्तन अध्यापन क्रिया है, है ना। परावर्तन क्या है, अध्यापन क्रिया है। अर्थ बोध होना और अनुभव होना अध्ययन का फलन है। अध्ययन का फलन क्या है, अर्थ बोध होना, अनुभव होना। अर्थ बोध तक अध्ययन अनुभव प्रत्यावर्तन का अमूल्य फल है। तो अर्थ बोध तक अध्ययन अनुभव प्रत्यावर्तन का अमूल्य फल है। तो जो प्रत्यावर्तन का अमूल्य जो फल है वो है अनुभव, है ना। तो अर्थ बोध होने तक अध्ययन, अध्ययन कहां तक है, अर्थ बोध होने तक। तो अर्थ बोध हो गया, यही अध्ययन कपोते। और इस प्रत्यावर्तन का जो सबसे अंतिम फल, जो सबसे मूल्यवान फल है, जो सबसे मानव में अंतिम जो बात है, वो है अनुभव का होना। और ये फल किसी से अमूल्य है, इसका और फिर है ना किसी से तुलना नहीं है। अर्थ बोध का अनुभव के अर्थ में प्रत्यावर्तित होना एक स्वाभाविक क्रिया है। जो जब अर्थ बोध हुआ तो वो कह रहे हैं अनुभव के अर्थ में प्रत्यावर्तित होना, मतलब दो क्रियाएं साथ में होती हैं जीवन में, दो क्रिया साइमल्टेनियसली होती है। पहला है अर्थ उस बोध होना और दूसरा है अनुभव होना। तो बुद्धि आत्मा को पहचानती है ना, बुद्धि में बोध होता है और उसी क्षण आत्मा में अनुभव होता है। बाबा जी बोलते हैं सबसे ज्यादा समय किस में लगता है, सबसे ज्यादा समय, लंबा समय है श्रवण में। अभी हम क्योंकि हमारा भाषा जिस तरीके से बनावट है उसमें समय लगता है, तो वो एक लंबा प्रक्रिया है। अगर हम साक्षात्कार देखते हैं तो साक्षात्कार क्रमिक होता है, बहुत लंबा समय लगता है। बाबा जी बोलते हैं बोध उससे कम समय लगता है, साक्षात्कार हुआ बोध में कम समय, और अनुभव में बिल्कुल कोई समय नहीं लगता है, वो तुरंत होने वाली चीज है। तो सबसे जो सहज चीज है वो है अनुभव। जिसमें समय लग रहा है वो है हमारे 4.5 में, 4.5 क्रिया में जो परिस्कृति होनी है उसके अंदर। फिर एक साक्षात्कार में एक लंबा समय है, बोध और अनुभव एक साथ हो रहा है। आत्मा को बुद्धि ने पहचाना और अनुभव हुआ, ये दोनों एक साथ ही हो जाता है। अनुभव महिमा की रोशनी से वंचित होकर अध्ययन में वस्तु बोध होता ही नहीं है। यदि अनुभव की महिमा की रोशनी से हम वंचित हो जाए तो अध्ययन नहीं होता। तो जब भी अध्ययन होगा अनुभव की रोशनी में ही अध्ययन पूरा होता है। अदरवाइज अगर अनुभव की रोशनी नहीं है, अनुभव उपलब्ध नहीं है, तो वस्तु का बोध नहीं हो सकता है, वास्तविकता का बोध नहीं हो सकता है। अभी तक भी जितने वस्तु बोध हुई है ये सब अनुभव में ही प्रमाणित होकर अध्ययन के लिए प्रस्तुत है। तो जो हमारे सामने ये सब प्रस्तुत है वो अनुभव में ही प्रमाणित होकर प्रस्तुत है, है ना। तो इस तरह से एक जबरदस्त आश्वासन
है ना, इसके पहले इतने विश्वास इतने आश्वासन के साथ बात नहीं कही गई परंपरा में। यहाँ पे पूरा आश्वस्त करता है कि हर मानव समझदारी को पा सकता है, हर मानव ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न हो सकता है और हर मानव कार्य व्यवहार व्यवस्था में उसको प्रमाणित कर सकता है। ये आश्वस्ति है इस दर्शन में, है ना। मानव का अध्ययन वस्तु बोध के रूप में होना संभव नहीं हो पाया है, तो अभी तक क्या नहीं हुआ? ये आश्वस्ति जो इतना जबरदस्त आश्वस्ति हमको यहां मिल रहा है, पीछे क्यों नहीं मिला इतना आश्वस्ति? हम क्यों आश्वस्त नहीं हो पाए कि मानव संपूर्ण का अध्ययन कर सकता है, संपूर्ण को समझ सकता है, है ना, और सुंदर ढंग से जी सकता है, सभी के साथ तालमेल पूर्वक, सामंजस्य पूर्वक, हारमोनी पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक, सहस्तित्व पूर्वक, उपयोगिता पूर्वकता पूर्वक जी सकता है? ऐसा क्यों आश्वस्ति नहीं आया? उसका मूल कारण है कि अभी तक मानव का अध्ययन पहले नहीं हुआ। जो अध्ययन दो विधि से अध्ययन हुआ, आदर्शवाद की एक विधि है जिसमें 50-60 दर्शन होंगे, 40-50 मुझे मालूम नहीं कितनी गिनती है उसकी, उसमें बहुत सारे दर्शन आए, और ऐसे भौतिकवाद आए, और भौतिकवाद में भी कई सारे दर्शन आए। उन दोनों विधा से जो भौतिकवादी प्रतिपादन है और जो आदर्शवादी प्रतिपादन है, दोनों प्रतिपादन में जो मिसिंग पार्ट है वो है मानव का अध्ययन। मानव का अध्ययन नहीं हुआ, इस कारण से ये सारा हम विश्वासपूर्वक नहीं कह पा रहे। अभी हमको इसलिए आश्वस्ति होती है कि हम हर चीज को मानव के साथ, अभी आपने देखा किस तरह से अंश, परमाणु, उसके अंदर विद्युत, ध्वनि, ताप, ये सब का अध्ययन भी हमने किस तरह से मानव के साथ जोड़ करके, मनोस्वस्थता के साथ जोड़ करके देखा। तो मानव की परिभाषा में ही ये सारा अध्ययन इनबिल्ट है। मनाकार को साकार करना, मनस्वस्थता को का आशावादी मानव है अभी, उसको प्रमाणित करना, ये प्रमाणित कर ले, इसके अर्थ में ही सारा अध्ययन है ना। तो ये मानव का अध्ययन नहीं हुआ है, मानव परिभाषित ही नहीं हो पाया अभी तक पहले। तो मानव की पहली बार जो परिभाषा है वो हमारे बाबा श्रद्धेय नागराज जी ने दिया। मानव का अध्ययन वस्तु बोध के रूप में होना संभव नहीं हो पाया, क्योंकि मानव की संपूर्णता रासायनिक भौतिक सीमा में ना हो करके अथवा रासायनिक भौतिक वस्तुओं की महिमा शरीर तक ही सीमित रहने के आधार पर मानव का संपूर्ण अध्ययन होना संभव भौतिकवाद के अनुसार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मानव को जब भी हम अध्ययन कर रहे हैं उसको भौतिक रासायनिक सीमा में ही अध्ययन कर रहे हैं। जो जीवन वस्तु है वो हमको हाथ नहीं लगा, जीवन वस्तु हाथ नहीं लगने के कारण मानव का अध्ययन पूरा नहीं हुआ। मानव भौतिक रासायनिक क्रियाकलापों से पूरी तरह से व्याख्यायित नहीं हो सकता है, उसको समझा नहीं जा सकता है। हर मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में ही विद्यमान है और परंपरा रूप में वर्तमान है। तो मानव की जब बात करें तो शरीर और जीवन दोनों है और उसी के साथ मानव का अध्ययन है। परंपरा के लिए शरीर एक प्रधान आधार है। परंपरा का मतलब ही होता है पीढ़ी से पीढ़ी अथवा वंश परंपरा ही रहा है। तो परंपरा के लिए शरीर का होना जरूरी है, शरीर के साथ ही परंपरा है। शरीर परंपरा रचना विरचना आधार के रूप में ही सीमित है, जबकि मानव परंपरा में जीवन और शरीर संयुक्त वरी स्थिति को प्रमाणित करता है, अर्थात शरीर से अधिक महिमाओं को स्पष्ट कर देता है। शरीर हो जीवन ना हो, ऐसी स्थिति में मानव होता नहीं है। इसलिए मानव संज्ञा में जीवन और शरीर के संयुक्त रूप का ही स्वीकृति है, यह भी मानव की समझ में आ चुका है। शरीर ही जीवंत और निर्जीव होता है, निर्जीविता जीवन का वियोग ही है, जीवंतता ही जीवन और शरीर का सम्यक प्रकाशन है, अभिव्यक्ति है। तो अभी तक बहुत क्लियर है ये सारी बातें मेरे ख्याल से, थोड़ा हम पीछे चल रहा हूं मैं। इस क्रम में मानव संतुष्टि और जीवन संतुष्टि को पहचानना एक आवश्यकता रही है। मानव संतुष्टि के साथ जीवन संतुष्टि सार्थक होता है, इस तथ्य का अध्ययन पहले ही स्पष्ट हो चुका है। तो मानव संतुष्टि, जीवन संतुष्टि, मानव संतुष्टि मतलब अब समाधान समृद्धि अभ्यस्त अस्तित्व, जीवन संतुष्टि मतलब सुख शांति संतोष आनंद। मानव जो लक्ष्य है उसके प्राप्ति से ही जीवन में संतुष्टि सुख शांति संतोष आनंद है, है ना, इसको पहले हमने देखा। मानव संतुष्टि का लक्ष्य के रूप में होना
मानव जीवन सार्थक होता हुआ प्रमाणित होता है। इसी क्रम में मानव अध्ययन करने के लिए अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति को अपना लिया, उसका उसी का यहां स्पष्टीकरण और उल्लेख है। बहुत सुंदर सरल। मानव का सहज विधि से जीवन तृप्ति का ध्यान इसलिए आवश्यक है कि जीवन बल शक्ति का नियोजन पूर्वक ही शरीर संरक्षण पोषण समाज गति स्पष्ट होती है। तो शरीर का जो पोषण संरक्षण समाज गति स्पष्ट तभी होगा जब जीवन बल शक्ति का नियोजन होता है, उसके पहले नहीं हो पाता है। जीवन ना होने की स्थिति में शरीर का संरक्षण पोषण नहीं होता है, इसके विपरीत ऐसे शरीर को मृत घोषित किया जाता है और विसर्जन किया जाता है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि शरीर पोषण संरक्षण जीवंतता पूर्वक ही संपन्न होता है, इसलिए जितना हम जान पाते हैं उससे कम चाह पाते हैं। जो हम प्रारब्ध की परिभाषा यहां पे आ रहा है कि इसलिए जितना हम जान पाते हैं उससे कम चाह पाते हैं, जितना हम चाह पाते हैं उससे कम कर पाते हैं, जितना हम कर पाते हैं उससे कम भोग पाते हैं, है ना। इसीलिए हम निरंतर प्रयोजन और योजनाओं के साथ बने रहते हैं, है ना। परिणाम पता लगता है कि भोगने की जहां तक सीमा है वह शरीर ही है, शरीर के साथ ही सारा भोगना है। शरीर के पोषण संरक्षण के लिए वस्तुओं का उपयोग पहचान लिया गया है और समाज गति के लिए उपयोगी वस्तुओं की क्रिया प्रक्रिया को भी पहचान लिया गया है। समाज गति के लिए प्रयुक्त होने वाले अथवा उपयोगी होने वाले दूर संचार यंत्रों उपकरणों को दूर संचार नाम दिया जाता है, जिससे दूर गमन, दूर दर्शन, दूर श्रवण समाहित है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि पीछे के चैप्टरों में जिस तरह से होते हुए आया, तो पहले हमने प्रत्यावर्तन, परावर्तन और प्रत्यावर्तन, उसकी आवश्यकता, उसकी सारी प्रक्रिया को समझा, और अंत में जहां आया वह दो बातें आई मानव के अंदर। एक तो है मानवाकांक्षा, जिसको हम समाधान समृद्धि अभय सस्तित्व कर रहे हैं। दूसरा है जीवन आकांक्षा, है ना, जिसको हम सुख शांति संतोष आनंद कर रहे हैं। इसके लिए जो बात आई वह है अध्ययन पूर्वक ही सफल होता है, और अध्ययन के लिए अनुभव का होना जरूरी है। अध्ययन पूर्वक क्या होता है, मानव के अंदर ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता, ये प्रत्यावर्तन पूर्वक, और परावर्तन पूर्वक कार्य व्यवहार व्यवस्था में उसका प्रमाण। इस तरह से हमने देखा। अब बात आती है कि इससे पहले, है ना, ये सब तो उपलब्ध होना जाना चाहिए, पहले क्यों नहीं उपलब्ध हुआ। तो उसका जो उत्तर आया वह मानव का अध्ययन नहीं हुआ। तो अभी इस पैराग्राफ में मानव के अध्ययन की बात आई, और क्या बात आई मूल रूप से कि जीवन और शरीर के साथ मानव का अध्ययन, है ना। तो यहाँ पे हमने मानव का अध्ययन किया, और मानव के अध्ययन करने में टुवार्ड्स द एंड हमने क्या देखा कि जब मानव समाधानित होता है, मानव ठीक से समझ में आता है, तो समझ में आता है उसके अंदर दो है, जीवन है और शरीर है। शरीर से ही भोगा जाता है, भोगने का जो भी कार्यक्रम हो शरीर से, और उत्पादन में अगर देखें, बनाने वाले कार्यक्रम को देखें, तो उसमें जीवन और शरीर दोनों शामिल है। जीवन जो है अपने स्वयं में अच्छा है, बल शक्ति संपन्न है, शरीर जो है वो लिमिटेड चीज है, और दोनों मिलकर के उत्पादन करता है, इसलिए संभावना हमेशा ही अधिक की है। तो आदमी जो मानव है वो जितनी उसकी आवश्यकता उससे सदा ही उससे ज्यादा उत्पादन कर सकता। तो आज भी अगर हम देखते हैं धरती पे, अगर आप थोड़ा सा आकलन करें, अगर जैसे आहार की भी बात करें, तो धरती पे जितने लोग आज प्रोडक्शन में जुड़े हैं, बहुत ही कम पॉपुलेशन प्रोडक्शन में जुड़ा हुआ है। आज भी हमारे पास मान लो आज 7.5 बिलियन लोग हैं, 7.7 या 7.8, लेकिन खाने के लिए जो खाना है उपलब्ध, वो उससे कहीं ज्यादा खाना उपलब्ध है। दुरुपयोग के कारण हम उस अभी संकट में है, भूखमरी के शिकार हैं लोग, अदरवाइज बहुत कम में भी बहुत ज्यादा उत्पादन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी जो सेटिंग है, नेक्स्ट अभी इस पैराग्राफ में मानव का अध्ययन हुआ, ये इसमें समाधान की बात है, और इसी से अब समाधान के अंत में हमने क्या देखा कि कैसे वो अब समृद्धि के साथ जुड़ता जा रहा है। जो दूसरा इसके बाद वाला पैराग्राफ है वो परिवार से जुड़ेगा, जहां पे समाधान के साथ समृद्धि प्रमाणित होने की बात है। ठीक है, तो इस रूप में हम इसको देखते हैं, और अगला पैराग्राफ एक मिनट देख लेता हूँ। अगला पैराग्राफ जो है, अब उसको हम लोग
शाम के मेरे शाम के सत्र में आपके सुबह के सत्र में लेंगे, जो आपका सुबह का सत्र होगा उस 9:30 बजे सुबह का सत्र फिर से हम लोग शुरू करेंगे, है ना। और अगेन आप सभी लोगों ने बहुत बढ़िया से सुना, इतने जो कमेंट आप देते रहते हैं, बीच बीच में पढ़ भी लिया एक दो चार, तो इसमें काफी उत्साहजनक कमेंट आते रहते हैं और उससे अपना जो उत्साह है। और ये सारा कार्यक्रम देखिए जो समझाने का कार्यक्रम नहीं है ना, मैं तो अपने समझने के लिए ही सारे कार्यक्रम को देखता हूं, इससे मेरी समझ में जो प्रत्यावर्तन कार्यक्रम है वो हमको दिखाई देता है कि पुष्ट होता है। और इसके साथ ही जो विश्वास बनता जा रहा है इस पूरे अध्ययन में, अभी तक जितने हमने अध्ययन, कितना सुंदर, कितना सटीक, कितना सहज, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई चीजें हैं और हम सब इसको बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं और इसको हम जी सकते हैं। ये सारी चीज जो है ना, ये जीने के अर्थ से जुड़ा हुआ है, जीने से जुड़ा हुआ है। तो समझना जीने के साथ है, जो स्वीकृति है, समझना है और जीना है वो अलग अलग नहीं है, वो सब एक ही बात है। और इस किस तरीके से बाबा जी ने इतने सहज ढंग से पूरी बात को स्पष्ट इसमें किया है, तो स्थिति गति के साथ हमारे अंदर जो विश्वास, स्थिति गति या बल शक्ति के अध्ययन के साथ जो विश्वास बना कि हम संपूर्ण को समझ सकते हैं, वो बड़े अच्छी बात आई। और जैसे जैसे हम प्रत्यावर्तन, हमने पहले ही देखा कि जिस तरह से हम प्रत्यावर्तन परावर्तन को समझते जाएंगे, ये हमारा विश्वास कि हम सब समझ सकते हैं और समझदारी निकट है ना, समीप है, हमारे निकटवर्ती है, बिल्कुल पास में खड़ी है और हम उसके साथ ही जुड़े हुए हैं, ऐसा विश्वास बनता हुआ दिखता है। तो जो भी प्रश्न होंगे उसको मैं आपके सुबह वाले सत्र में मैं लूंगा। अभी मेरे मुझे मालूम नहीं कि इसमें कोई प्रश्न आया है कि नहीं, तो जैसे ही मैं पूरा करूंगा उस प्रश्न को देख लूंगा और फिर आपके सुबह में रखूंगा। आप सभी ध्यान से सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्याम वीर भैया सिंह जी का है, क्या प्रत्यावर्तन परावर्तन मुख्य रूप से चैतन्य में ही समझदारी और प्रमाण के अर्थ में है या जड़ प्रकृति में भी है? तो ये जो प्रत्यावर्तन की क्रिया है स्पेशली, उस पर अभी बात करते हैं। जड़ प्रकृति में हमको परावर्तन दिखाई देता है, जैसे अभी मैं बोलता हूं तो हमारी आवाज गई और दीवार से टकराई या अन्य जगहों से टकराई, वापस मेरे पास आती है। आप एक गेंद लेते हैं, गेंद को वापस दीवार पे मारते हैं तो वापस आता है। इसी तरह से आप आईना लेते हैं, अगर आप उस पे प्रकाश दिखाते हैं तो रिफ्लेक्ट होता है। तो परावर्तन की क्रिया हमको जड़ प्रकृति में दिखाई देती है। जो मौलिक बात है इसमें, प्रत्यावर्तन की क्रिया मुख्य बात है जो हमको जड़ प्रकृति में नहीं दिखाई देती है। एक्चुअली प्रत्यावर्तन की क्रिया ही चैतन्यता को बताता है, जीवन की क्रिया को मूल रूप से स्टैब्लिश कर पाता है। तो अभी विज्ञान में प्रत्यावर्तन की क्रिया की ठीक से पहचान नहीं हुई है। प्रत्यावर्तन की क्रिया का क्या मतलब है? मूल्यांकन की क्रिया। तो बेसिकली जब हम परावर्तित होते हैं तो उसका जो मूल्यांकन है वो प्रत्यावर्तन है। तो परावर्तन के मूल्यांकन की क्रिया है प्रत्यावर्तन। और प्रत्यावर्तन में हम देख सकते हैं अलग अलग लेवल पे होता है, भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति। तो इस तरह से प्रत्यावर्तन की क्रिया है, मतलब मन जो है वृत्ति वृत्ति चित्त को पहचानता है, चित्त बुद्धि को पहचानता है, बुद्धि आत्मा को पहचानता है, आत्मा व्यापक को पहचानती है। इस क्रिया को प्रत्यावर्तन कह रहे हैं, ये जड़ प्रकृति में नहीं होता है। उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, ये आवाज आप तक पहुंच रही है, ये आवाज इस कमरे में भी है, कमरे में ये आवाज गई, दीवार से टकराई और वापस आई, ये सब हो सकता है। परंतु जब आप तक पहुंच रही है तो आप केवल उसको सुन नहीं रहे, बल्कि उस तुरंत ही शुरू हो जाता है कि हमने क्या कहा, क्यों कहा, कौन कह रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं हम। तो ये सारी बातें हम क्या कर रहे हैं, अभी सुनने शब्दों का चयन हुआ, फिर उस पर हमने सोचना शुरू कर दिया, तो एक सोचने का काम शुरू कर दिया, है ना। तो ये क्रिया क्या हुआ, अब एक स्टेप अंदर चली गई, फिर उस पर पहले से हमने कोई मान्यता बना ली है, है ना, तो उसके हिसाब से फिर हम उस पे और ध्यान देते हैं, फिर हमको इस शब्द का एक नया अर्थ मिलता है तो हम अलग ढंग से देखते हैं, फिर उसको कौन कह रहा है इस पे भी बात आती। यही बात जो मैं बोल रहा हूं, आपका हमारे से संबंध कैसा है,
हमारा आपके प्रति स्वीकृति कैसी है, आपका हमारे प्रति स्वीकृति कैसी है, और जब हम आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उसको हम अलग ढंग से सुनते हैं। यदि हमारी आपके प्रति स्वीकृति नहीं है और बात सही है, इसके बावजूद हम ठीक से नहीं सुन पाते हैं। यदि स्वीकृति है तो हम एक अलग अप्रोच से सुनते हैं। तो ये सारी चीजें हमको दिखाई देती हैं प्रत्यावर्तन की क्रिया में। तो प्रत्यावर्तन की क्रिया हो रहा है, इससे पता चलता है कि हम जो मानव है उसके अंदर जीवन नाम की कोई चीज है। अभी पूरा विज्ञान लगा हुआ है ये प्रूफ करने में कि मानव भौतिक रासायनिक रचना है, मानव का सारा इंटरेक्शन ब्रेन से संचालित है। तो ब्रेन से संचालित है ये प्रूफ करने का बहुत सारा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सारे शोध चल रहे हैं। मुख्य रूप से क्या बात कही जा रही है कि मानव में दो चीजें हैं, जीवन है और शरीर है। शरीर भौतिक रासायनिक रचना, इसको प्रत्यावर्तन बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन श्यामवीर भैया सिंह जी का ही है, क्या अनुभव मूलक विधि से जीवन आकांक्षा से प्रमाण परावर्तन बराबर मानव आकांक्षा, और अनुभवगामी विधि से मानव आकांक्षा से प्रमाण में जीवन आकांक्षा है, ऐसा समझे? एक तो ये प्रश्न मुझे ठीक से बहुत स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन जो आप कहना चाहते हैं उसका आशय मैं समझ रहा हूँ। तो बेसिकली भैया देखो, मूल रूप से जो काम है मानव के लिए है वो मानव आकांक्षा की प्राप्ति। हम जो मानव है जीते समय हम मानव लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, जिसको हम समाधान कह रहे हैं, समृद्धि कह रहे हैं, अभय कह रहे हैं, सहस्त्र कह रहे हैं। जो जीवन मूल्य है, जो जीवन आकांक्षा है, वो उस ये जो लक्ष्य है, लक्ष्य प्राप्ति का हमारे अंदर जो फल परिणाम आया वो सुख के रूप में आया। तो सुख के लिए ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, कार्यक्रम है समाधान को पाना, सुख उसका रिजल्ट है हमारे अंदर। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि मानवाकांक्षा पूरा होने से जीवन कांक्षा सफल होता है या पूरा होता है। मूल जो कार्यक्रम हमारा है वो मानवाकांक्षा की प्राप्ति, प्राप्ति अभ्युदय की प्राप्ति, सर्वतोमुखी समाधान को इस्टैब्लिश करना, उसको पाना, उसका प्रमाण, उसका परंपरा, इस रूप में हम देख रहे हैं। ठीक है, एक और प्रश्न है रेखा दीदी जी का, जो जिसका दुरुपयोग करेगा उसका उससे वियोग होगा ही, इसे समझाइए। मतलब वियोग मतलब यहाँ पर वंचित हो जाएगा, जो जिसका दुरुपयोग करेगा वह उससे वंचित हो जाएगा। अभी देखिए क्या हो रहा है कि हम धरती पे, हमारी बहुत धरती समृद्ध है ना, बहुत सारी चीजें हैं, हवा है, पानी है, जंगल है, पहाड़ है, नदियां हैं, सब कुछ है। और मानव ने क्या किया, हवा का दुरुपयोग किया, तो हम सांस लेने की जगह पे नहीं रहेंगे। दिल्ली में तो आप देखते ही हैं कि किस तरीके से सबका दुरुपयोग हुआ है, यहाँ भी हुआ है, हर जगह हो रहा है। ऐसे ही पानी का दुरुपयोग, ऐसे ही वन का दुरुपयोग। तो जो चीज को हम दुरुपयोग कर रहे हैं उससे हम वंचित होते जा रहे हैं। अभी आज की हम स्थिति पे ये कह रहे हैं कि धरती निरंतर बनी रहेगी या नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। तो उसको लेकर बहुत सारी चर्चा चल रही है, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा आप सुन ही रहे होंगे। तो ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं, क्या धरती समृद्ध नहीं थी क्या, क्या यहाँ पे वन समृद्ध नहीं था क्या, हवा शुद्ध नहीं थी क्या, पानी शुद्ध नहीं थी क्या, सब था। तो ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग करने से क्या होता है, हम उससे वंचित होते जाते हैं। तो ये बात है। तो इतने सारे क्वेश्चन है, उम्मीद भैया पूछते हैं प्रत्यावर्तन केवल मूल्यांकन क्रिया है या नया समझना भी है? दोनों है भैया, मूल्यांकन क्रिया ही समझने की क्रिया, बेसिकली मूल्यांकन क्रिया है ना। हम समझने जा रहे हैं, तो जब हम समझने की ओर बढ़ रहे हैं तो समझने में चार लेयर हमने देखा। एक लेयर है भास, दूसरा आभास, समझना और स्वीकृति, मूल्यांकन और स्वीकृति, दोनों आप रख सकते हैं। तो प्रत्यावर्तन में क्या हो रहा है कि जो प्रयोजन सम्मत है, जो सत्य सहज है, जो न्याय सहज है, धर्म सहज है, नियम सहज है, उसका मूल्यांकन और उसकी स्वीकृति, इसको हम बोल रहे हैं प्रत्यावर्तन क्रिया। तो जो भी व्यवस्था सहज है, व्यवस्था में से जो प्रयोजन है ना, जो सत्य है, धर्म है, न्याय है, इसका मूल्यांकन है ना, अस्तित्व सहज है, उसका मूल्यांकन और उसकी स्वीकृति। अगर स्वीकृतियों को देखते हैं तो हम उसको चार लेवल पे देख सकते हैं, भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति, इन चार लेवल पे
प्रत्यावर्तन की क्रिया को हम समझ सकते हैं। उसको दूसरे रूप में हमने कहा कि मन का प्रत्यावर्तन वृत्ति में, वृत्ति का चित्त में, चित्त का बुद्धि में, बुद्धि का आत्मा में, और आत्मा व्यापक में अनुभूत होती है। इस तरह से पूरा प्रत्यावर्तन क्रिया दिखाई देता है। परावर्तन वापस जब उसका परावर्तन आत्मा का बुद्धि पर, बुद्धि का चित्त पर, चित्त का वृत्ति। इसमें दिखा रहा है कि योर कनेक्शन इज अनस्टेबल, प्लीज वेट व्हाइल वी ट्राई। थोड़ा सा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम था। हाँ, इसमें दिखा रहा है। अभी आ गया क्या नेटवर्क? मेरे ख्याल से अभी आ गया होगा नेटवर्क। कोई लिखेगा? ओके, ठीक है, बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो उम्मीद भैया का उत्तर हो गया होगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। परावर्तन प्रत्यावर्तन, तो एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। अनिशा दीदी पूछे पेज नंबर ओल्ड बुक। दीदी मेरे पास ओल्ड बुक नहीं है इस समय, और नया बुक ही है। इसको मैं क्या करता हूँ, अगर आप पुराने बुक से भी जाएंगे तो मैं एक एक पेज, जो एक एक पैराग्राफ है ना, उसका अभी मैं एक रिव्यू करता जाऊंगा, और आप उसको फॉलो कर लेना। फिर हम लोग जहां से मैं रुकूंगा वहां से फिर आप उसको कर लेना। बेसिकली जब हमारा यहाँ मानव का अध्ययन शुरू होता है ना, वहां से आज मैं शुरू करूंगा। अच्छा, सत्य प्रकाश भारत ने बताया पेज नंबर 161, और जो नई किताब है मैं रिव्यू करने जा रहा हूं 100 पेज नंबर 115 से, है ना। तो पहली वाली जो बात थी इसमें कि स्थिति गति बस शक्ति के मुद्दे पे छोटे से छोटे, तो इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने स्थिति गति पे काफी चर्चा किया, बल शक्ति के बारे में सब चर्चा किया, और इसमें मूल जो बात थी स्थिति गति में कि प्रत्येक इकाई स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, और उसका अध्ययन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम परमाणु का अध्ययन करते हैं तो ही हमको व्यवस्था में विश्वास होता है। अगर हमारा परमाणु का अध्ययन पूरा होता है तो हमने देखा कि जब हम परमाणु का अध्ययन करें तो बहुत सारी चीजें उसमें हमने देखा। एक परमाणु को मूल इकाई के रूप में, उसमें निहित अंश, उसका प्रभाव क्षेत्र, उसमें जो चुंबकीय बल, बल के साथ जो शक्ति है ना, ध्वनि ताप विद्युत के रूप में, उसके साथ उसमें आकर्षण विकर्षण प्रत्याकर्षण का बल, उसके अंदर भार, भार को समझने गए थे तो उसमें ऋणाकर्षण धनाकर्षण शून्याकर्षण, इस उसी के अध्ययन के साथ साथ हमने देखा कि किस तरीके से सारा अध्ययन, हम एक छोटी चीजों का अध्ययन करते हैं उसी के हिसाब से बड़ी, और जैसे जैसे हमारा अध्ययन का विस्तार होता है हम जो नहीं देख पा रहे हैं, जो बहुत दूर हमारे आकाश गंगा से भी कहीं दूर है, उसका भी हमको एक अनुमान लगता है, और इस तरह से पूरे अस्तित्व में एक व्यवस्था है, इसकी स्वीकृति होती है। और ये जो स्वीकृति है बहुत जरूरी है हमारी, उसका हमने नेक्स्ट लिंक देखा था मन स्वस्थता से, तो मन स्वस्थता के लिए वो अध्ययन जरूरी है। सच्चाई हमको समझ में आए इसलिए पूरी क्रिया को हम स्थिति गति के रूप में हमने अध्ययन किया। स्थिति के रूप में हमने बल संपन्नता को, और गति के रूप में हमने शक्ति संपन्नता को देखा। जो बल संपन्नता है वो तो असहित व्यवस्था के रूप में, और जो शक्ति है वो समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में देखा। यहां तक हम लोगों ने उसके पहले वाले में देखा था। जब हमने इसमें प्रवेश किया तो उसमें जो मुख्य बात है वो है परावर्तन या गति की जो बात कह रहे हैं, वो है गम्य स्थली तक पहुंचना। हम जो भी काम करते हैं किसी एक निश्चित गम्य स्थली तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं। तो अभी जब हम प्रत्यावर्तन परावर्तन प्रत्यावर्तन का अध्ययन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? किसी एक गम्य स्थली तक पहुंचने के लिए। मानव का जो अल्टीमेट गम्य स्थली है, अगर हम परावर्तन को देखते हैं तो गम्य स्थली है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था परंपरा का बनना, है ना। उस रूप में हम देख रहे हैं फाइनल जगह पे पहुंचना है, वह अखंडता सार्वभौमता की जगह। यदि हम प्रत्यावर्तन की क्रिया को देखते हैं तो अनुभव तक पहुंचना, सह अस्तित्व में अनुभव होना। तो इस तरह से सह अस्तित्व में जो अनुभव है उसका अगर परावर्तन देखते हैं तो वही बात आती है कि जो दस सोपानी व्यवस्था है वो, और मानव अखंड है ये पहचान में होना। ये अपने गम्य स्थली की बात हुई, और इस गम्य स्थली तक पहुंचने के लिए जो मुख्य बात है वो है
जीवन में परावर्तन प्रत्यावर्तन को पूरी तरह समझ पाना। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में जब हम लोग गए थे तो वहां पे हमने क्या देखा कि ये जो परावर्तन प्रत्यावर्तन है उसमें जो परावर्तन है वो समझाने की क्रिया, प्रत्यावर्तन समझने की क्रिया, तो दो काम हो रहे हैं, समझना और समझाना, दोनों के साथ ये परावर्तन प्रत्यावर्तन जुड़ा हुआ है ना? तो हम समझते हैं और समझाते हैं, समझाते हैं और समझते हैं, इस तरीके से है। और इस समझने समझाने के अर्थ में हमने क्या देखा कि मूल बात क्या है कि हर मानव में समझदारी इस्टैब्लिश हो जाए, तो समझदारी के अर्थ में ही सारा हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, समझदारी को अगले तीसरे जब हम पैराग्राफ में जाते हैं तो बता रहे हैं कि समझदारी एक सामान्य घटना है, एक सहज घटना है, एक साधारण घटना है, और हर मानव है ना उसके लिए त्रिषित है, प्यासित है, हर मानव में उसकी वांछा है, वो चाहता ही है समझदार होना। तो मानव में चाहत है और अस्तित्व में उसकी डिजाइन है और हमारे सामने आज प्रस्ताव है, इसलिए हम सब समझदार हो सकते हैं, ये वाली बात आई थी। ये समझदारी किस लिए, तो समझदारी का जो मूल बात था वो है फल परिणाम के लिए, एक निश्चित फल परिणाम के लिए। फल को हमने देखा था इस रूप में, मानवाकांक्षा के रूप में, अभ्युदय के रूप में, सर्वतोमुखी समाधान के रूप में, समाधान समृद्धि अभ्यस्त अस्तित्व के प्रमाण के रूप में हमने देखा था फल। और ये क्यों चाहिए, क्योंकि जो जीवनाकांक्षा है उससे पूरी होती है, तो मानवाकांक्षा पूरा होने से क्या हुआ, जीवनाकांक्षा सुख शांति संतोष आनंद की प्राप्ति, मन स्वस्थता का प्रमाण, ये मुख्य बात थी, समझदारी से ये निकला। इसके बाद जो चौथा पैराग्राफ है उसके अंदर बात आई, जो मुख्य फोकस था वो है परावर्तन के ऊपर, इसके इसमें जो ये क्रिया है उसमें दो मुख्य बात थी, एक तो है ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता, इसको इसमें हाईलाइट किया गया था, और दूसरी जो बात है कि जो सारा ये जो कार्यक्रम है ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता, ये कब सही हो पाता है, जब हम हमारे अंदर मूल्यांकन की क्रिया ठीक हो, मूल्यांकन की क्रिया पे हाईलाइट था उस वाले पैराग्राफ में। और मूल्यांकन का आधार क्या होगा, मानव में मूल्यांकन का क्या आधार है, अखंडता और सार्वभौमता, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में ही सारा मूल्यांकन सफल होता है, मूल्यांकन सही होता है, नहीं तो अधिमूल्यन अवमूल्यन निर्मूल्यन दोष बना रहता है। यदि अधिमूल्यन अवमूल्यन निर्मूल्यन दोष है, निर्मूल्यन होता है, तो जीने में हमारे फिर दोष दिखाई देता है, तो जो जीने में दोष है वो मूल्यांकन के कारण है। मूल्यांकन क्यों नहीं हो पाया मानव का ठीक, क्योंकि मूल्यांकन का जो आधार है वो है अखंडता सार्वभौमता, इस वाले चौथे पैराग्राफ में हमने देखा था। पांचवे जो पैराग्राफ है उसमें मुख्य जो बात थी वो है मानव किस आशय से, किस लक्ष्य से और किस अपेक्षा के साथ हम जी रहे हैं। तो हमारा जो आशय है सुख के आशय, ये सुख के आशय कैसे पूरा होगा, इस आशय को हम कैसे पूरा करें, उसके लिए एक लक्ष्य बताया वो है समाधान समृद्धि अभ्यस्त अस्तित्व, और हम किस अपेक्षा में कोई काम कर रहे हैं वो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में, तो अखंडता सार्वभौमता यही हमारा अपेक्षा है, और लक्ष्य है समाधान समृद्धि अभ्यस्त अस्तित्व, और उसका जो फल है ये है सुख, और ये तीनों एक दूसरे के पूरक है। और इसके इसी पैराग्राफ में जो अंतिम बात थी, इसमें एक महत्वपूर्ण काम था वो है लोक व्यापीकरण, जिसमें लोक व्यापीकरण में शिक्षा का मुख्य काम है ना, तो शिक्षा और व्यवस्था को बनाना, तो शिक्षा को हम लोग इसमें महत्वपूर्ण देखे थे। अब इस उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं तो क्या दिखाई देता है कि जो ये समझने समझाने का काम है वो मुख्य रूप से अध्ययन पूर्वक सफल होता है ना, तो अध्ययन अध्ययन के महत्व को उसमें बताया है ना, और अध्ययन के लिए जीने के भी महत्व को बताया, दोनों बातें उसके उसमें बात आई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर लगभग वही बात है, जीने के अर्थ में है ना, कार्य लक्ष्य और प्रयोजन प्रमाण होना, उसकी निरंतरता बने रहना ही जीने का तात्पर्य, उसमें जीने की बात क्या है, जीने का मतलब उसको उसमें हाईलाइट किया था कि किस तरह से कार्य लक्ष्य और प्रयोजन प्रमाण होना और उसकी निरंतरता होना, ये जीवन जीने का पूरा फैलाव है।
इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ था उसके अंदर मेन जो हाईलाइट है कि वो है विज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता, है ना। तो प्रत्यावर्तन परावर्तन इसका जो है दोनों के रूप में देखते हैं, तो जो प्रत्यावर्तन का अंतिम उपलब्धि है वो ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता, और जो परावर्तन है वो कार्य व्यवहार व्यवस्था में भागीदारी। तो ये मुख्य बात थी उसके अंदर कि कैसे एक मानव ज्ञान विवेक मानव में ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता हो और मानव किस प्रकार से कार्य व्यवहार व्यवस्था में भागीदारी कर पाए, ये उस वाले उसके बाद वाले पैराग्राफ में था। इसके बाद बात आती है अध्ययन का, तो अध्ययन को उन्होंने किस तरह दो तरीके से बताया, है ना। एक तो बताया कि जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो हम अनुभवगामी विधि से अध्ययन कर रहे हैं, और जब हम प्रमाण की बात कर रहे हैं तो अनुभव मूलक विधि से प्रमाण की बात कर रहे हैं। इसमें दो बातें मुख्य थी। और उसके बाद बात हुई कि अभी तक फिर हम अध्ययन क्यों नहीं कर पाए, अध्ययन परंपरा में क्यों नहीं हुआ, है ना। तो ये बात हुई कि अध्ययन परंपरा में भौतिकवाद के स्पेशली भौतिकवाद के उसमें नाम लिया था, हम लोग कर्म दर्शन पढ़ रहे हैं, तो मूल जो बात है इसमें मानव का अध्ययन नहीं हुआ, हम लोग पदार्थ का अध्ययन किए, है ना, ईश्वर केंद्रित अध्ययन हुआ, मानव का अध्ययन नहीं हुआ। मानव के अध्ययन न होने के कारण ही समझदारी नाम की जो चीज है वो मानव के हाथ नहीं लगी, ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता नहीं हुई, और ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न मानव नहीं हुआ इसलिए जो जीने में सारे तकलीफें हमारी आई, मतलब हम कार्य व्यवस्था और कार्य व्यवहार व्यवस्था का प्रमाण हमको नहीं मिला। इस उसी जहां हम देख रहे हैं कि मानव का अध्ययन नहीं हुआ उसमें फिर मानव क्या है इसकी बात, मानव की आवश्यकता, उसकी पूर्ति कैसे होगी, और फिर प्रारब्ध की एक चर्चा ही थी कि किस तरह से मानव का पूरा बनावट है। तो मानव इसमें मूल जो बात है कि मानव में दो चीजें हैं, एक तो है भौतिक रासायनिक रचना से बना हुआ शरीर और दूसरा है जीवन, इन दोनों के सहस्तित्व में मानव है और इसका अध्ययन नहीं हुआ, इसमें मूल रूप से जो है जीवन का अध्ययन नहीं हुआ, ये उस चैप्टर में था। और इसी चैप्टर में फिर सॉरी इसी पैराग्राफ में आगे जिस तरीके से हम जाते हैं तो उसमें फिर मनाकार को साकार करना मन स्वस्थता वाली बात थी। तो मनाकार को साकार करने के क्रम में मानव ने आहार आवास अलंकार दूरदर्शन दूरगमन दूरश्रवण ये सारी चीजें बना लिया, मन स्वस्थता वाला भाग अभी खाली है, है ना, ये वाली बात थी। अब यहाँ के बाद हम लोग यहाँ तक हम लोगों ने किया था कल, आज हम चलते हैं उसके आगे, अब हम आगे अपनी बात बढ़ाते हैं। तो जो अगला है मानव के बाद क्या बात आती है नेक्स्ट पैराग्राफ में, स्वाभाविक रूप से परिवार। तो जब मानव का हमारा अध्ययन हुआ अब इसके बाद हम लोग परिवार का अध्ययन करने जा रहे हैं, अगले पैराग्राफ में परिवार के ऊपर चर्चा है। जागृत मानव परंपरा में वस्तुओं का उपयोग सदुपयोग प्रयोजनशील विधियां निष्पन्न होती हैं और प्रमाणित होती हैं। तो जागृत मानव में जो तीन चीजें दिखा, जो भी वस्तुएं हैं उसका उपयोग होना, सदुपयोग होना और प्रयोजनशील होना। तो उपयोग परिवार की सीमा में, है ना, सदुपयोग अगर कहते हैं तो समाज के अर्थ में, और प्रयोजनशीलता व्यवस्था के अर्थ में, उसको और प्रिसाइजली कह सकते हो जो अखंडता के अर्थ में और सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में, उस उपयोग सदुपयोग प्रयोजनशीलता को देख रहे हैं। उसका एक्सप्लेनेशन दिया उपयोगिता अर्थात वस्तु की उपयोगिता की सीमा परिवारगत आवश्यकता के रूप में स्पष्ट होती है, आवश्यकता से अधिक उत्पादन मानव परंपरा में इसलिए संभव हो गया कि जो कुछ भी उत्पादन करते हैं जितना भी उत्पादन करते हैं उतने को भोग नहीं पाते, है ना। तो अभी इसके पहले आया था प्रारब्ध की वाली बात इसके पहले वाले पैराग्राफ में, और यहाँ पे दिख रहे हैं कि किस तरीके से परिवार में हम जो उत्पादन करते हैं परिवार में जितना हमको आवश्यकता उससे ज्यादा परिवार में उत्पादन करने की डिजाइन है। ऐसा क्यों है उसको आगे जाकर एक्सप्लेन भी करते हैं कि किस तरह से जीवन और शरीर दोनों मिलकर के उत्पादन करता है, जीवन अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है और उत्पादन करने में जीवन और शरीर दोनों मिलकर कर रहा है जबकि उसका उपयोग करने वाला केवल शरीर है, इसलिए उसके अंदर इनहेरेंट डिजाइन है आवश्यकता से ज्यादा पैदा करने। तो
आगे चलते हैं। इसलिए आवश्यकता से अधिक उत्पादन सूत्र स्पष्ट हो जाता है। यह आवश्यकता से अधिक उत्पादन इस विधि से सहज हो गया कि जीवन में अक्षय शक्ति और बल का होना, जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में उत्पादन कार्य संपन्न होना, इसका उपयोग शरीर पोषण संरक्षण समाज गति के रूप में नियोजित होना, जो सीमित रहना अर्थात जिसकी सीमाएं निर्धारित रहना होता है। तो अभी बताया कि जो जब हम उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन में जीवन जो अच्छा है बल शक्ति संपन्न है वो भी लगा है और शरीर की भी ताकत उसमें लगी है, और जब उसका हम उपयोग कर रहे हैं तो उसमें केवल शरीर का पोषण संरक्षण समाज गति के रूप में कर रहे हैं जो एक सीमित है जिसका निर्धारण किया जा सकता है, इसलिए मानव सदा समृद्धि पूर्वक जी सकता है ना? यह स्वाभाविक है। यह अभी मानव परंपरा भ्रमित रहने की स्थिति में भी देखा गया है कि कम से कम लोग उत्पादन कार्य करने में लगे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग उपयोग करते रहते हैं। जागृति के पहले से ही आवश्यकता से अधिक उत्पादन मानव कुल में संपादित होने का प्रमाण स्पष्ट है ना? कितना सुंदर बात आ गया कि ये कह रहे हैं कि इसकी बनावट ही है, और कब देख रहे हैं, अभी जब परंपरा भ्रमित है वहां भी इसको देखा जा सकता है। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो आज धरती पे अगर देखें, जैसे अगर आहार फूड को देखते हैं तो कितना प्रतिशत लोग धरती पे आज उत्पादन में लगे हुए हैं, डायरेक्टली खेती कर रहे हैं, है ना, किसानी से जुड़े हुए हैं या किसी तरीके से अन्य प्रोडक्शन में जुड़े हुए हैं। तो ज्यादातर लोग अभी प्रोडक्शन में, अभी हम लोग जितने लोग यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं इसी में अगर हम लोग एक सर्वे करते हैं तो हम में से कितने लोग डायरेक्ट उत्पादन में जुड़े हुए, तो हमको अगर सर्वे पता चलता है तो ज्यादा लोग हम लोग जुड़े नहीं है उत्पादन से। इसके बावजूद धरती पे अगर आज अन्न देखें तो जितना मानव है उससे ज्यादा आज उपलब्ध है। कई कई स्टडी में बताते हैं कि 6 गुना है, और कुछ स्टडी में जो न्यूनतम है वो लगभग मतलब एक अच्छे ढंग से है ना, ठाट बाट से अगर रहने की बात आती है तो भी लगभग 10 बिलियन लोगों के लिए पर्याप्त है ना, उसमें पूरा और भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, और नहीं तो अप टू 6 टाइम मोर जितना जनसंख्या है। वो कब, जब इतने कम लोग उत्पादन में जुड़े हैं। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि भ्रमित रहते हुए ही, भ्रमित समय में ही ये देख सकते हैं कि अभी मनुष्य के पास जितनी उसकी आवश्यकता है उससे ज्यादा आज के समय में उत्पादन हो रहा है, और वो किसी भी फील्ड में, मतलब खाली खाने में नहीं, आप कपड़े में देख लीजिए जितने है ना दुनिया में कपड़े बन रहे हैं, आप फोन देख लीजिए, कंप्यूटर देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, अगर हम फोन का सही से सदुपयोग किया जाए, अगर हम सब लोग व्यवस्था में और ये जो फोन है ये जो कंप्यूटर है उसका शिक्षा के अर्थ में अगर ठीक से सदुपयोग किया जाए तो आज के ही डेट में बहुत ही ज्यादा एक्सेस है। ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिए, कोई भी अगर एक चीज देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में आज के समय में उत्पादन हो रहा है, और ये तब हो रहा है जब बहुत कम लोग उत्पादन में जुड़े हुए हैं, ज्यादातर लोग व्यापार में अभी जुड़े हुए हैं, है ना, डायरेक्ट प्रोडक्शन में नहीं जुड़े हुए, उस समय की बात है। ऐसा होते हुए मतलब अगर इतना ज्यादा है उत्पादन, है ना, तो फिर ऐसा होते हुए फिर भटकने, ऐसा होते हुए भी भटकने का कारण एक ही है, हमें पढ़ाई में यह बताया जाता है, इसमें बताया जाता है, बोल रहे हैं पढ़ाई में, थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा बताया जा रहा है, क्या आवश्यकता अनंत है, साधन सीमित है, इसलिए संघर्ष पूर्वक ही हम अपने आवश्यकता को पूरा कर पाएंगे। अगर मानव की आवश्यकताएं अनंत है, साधन सीमित है, तो संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं, शोषण के अलावा कोई रास्ता नहीं, संग्रह के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो संग्रह शोषण है ना, ये उसका उसमें होना ही है। तो ये इस तरफ में हमने पूरे शिक्षा में ही इसको इनबिल्ट कर लिया है। और जो लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हीं के लिए, जो लोग अर्थशास्त्र की पढ़ाई करते हैं, जो अर्थशास्त्र की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनके अंदर भी यही मान्यता बैठी हुई,
आप किसी भी एक सामान्य आदमी से पूछेंगे तो उसको यही लगता है कि हमारी आवश्यकताएं अनंत है, साधन सीमित है। तो इस तरह से हमने पूरा मानस ही बना दिया है संघर्ष का, है ना, पूरा पूरा संघर्ष ओरिएंटेड शिक्षा को बना दिया है। अब क्या चाहिए, इस शिक्षा का विकल्प, जिसमें मुख्य बात क्या समझ में आती है कि मानव की आवश्यकताएं निश्चित है और धरती पे जो साधन है वो उसका समृद्धि है, उसकी विपुलता है, हर मानव की आवश्यकता से ज्यादा वस्तु उपलब्ध है, ठीक है, ये उसका उल्टा पढ़ाई में जाने की बात है। इस नजरिए से मानव का संग्रह सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान गया, ठीक है, क्यों ध्यान गया, इसके पहले बताया, संग्रह सुविधा का तृप्ति बिंदु न मिलना आवश्यकता को अनंत मान लिया। तो संग्रह सुविधा का तृप्ति मिलता नहीं, इसलिए क्या मान लिया कि आवश्यकताएं मानव की अनंत है। यही भटकाव और भ्रम का आधार है। इस चक्कर से हम तभी छूट पाएंगे जब यह स्पष्ट और प्रमाणित हो जाए कि हर परिवार की आवश्यकता सीमित है। ये तभी होगा जब हर परिवार की आवश्यकता सीमित है और आवश्यकता पूरा करने की संभावना ज्यादा है। जीवन शक्तियां अक्षय हैं, जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में ही उत्पादन होता है, शरीर की आवश्यकता सीमित है। इस नजरिए से समृद्धि की ओर हमारा ध्यान जाता है, इसका स्रोत परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन होना ही है। तो इतने मुद्दे पे ध्यान जाना चाहिए, क्या क्या मुद्दा आ गया इसके अंदर, ये जो परिवार है उसमें आवश्यकताएं सीमित है, ये सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का संभावना है। ऐसा संभावना क्यों है, क्योंकि जो उत्पादन है उसमें जीवन शक्तियां, है ना, जो अक्षय हैं और उसके साथ साथ शरीर, दोनों मिलकर के उत्पादन हो रहा है, जबकि ये जो वस्तु उससे मिला वो केवल शरीर के आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए है। इस तरह से समृद्धि, अगर दूसरा भी देखें तो प्रकृति में भी आप अगर एक बीज डालते हैं तो उसमें कई बीजों में, है ना, कई फल में वो मल्टीप्लाई होता है और लंबे समय तक, अगर आपने एक आम का पेड़ डाल दिया, है ना, एक बीज से बहुत सारे उत्पादन होते रहते हैं। तो प्रकृति में भी वो डिजाइन है और मानव के अंदर भी वैसे ही डिजाइन, दोनों तरफ है डिजाइन। जो प्रकृति में अगर आप देखते हैं पशुओं में, उसमें उत्पादन करने का डिजाइन नहीं है, ये मानव ही उत्पादन करता है, मानव उत्पादन के लिए है, पशु में उत्पादन नहीं, डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं करता, जो है प्रकृति में उसको ले लेता है। उक्त विधि से परिवार की आवश्यकता निर्धारण, परिवार में ही एक या एक से अधिक व्यक्ति परिवार सहज आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने का सामर्थ्य रखता है, ठीक है, कितना सुंदर। अगर परिवार में मान लो 10 लोग हैं तो कितने लोग चाहिए उसको पूरा करने के लिए, एक आदमी पूरा कर सकता है, इतनी समृद्धि है, और एक नहीं तो थोड़े बहुत और 2-3 मान लो, इतने लोग पर्याप्त है। और हमको अच्छे तरीके से याद है जब बाबा जी ने हमको बोला कनाडा आने के लिए और हम लोग आ रहे थे तो बैठे थे उनके साथ, तो बोले कि महेंद्र एक बात ध्यान रखना। तो हमने पूछा बाबा जी क्या, तो बोले देख बेटा समृद्धि के लिए हमको बहुत थोड़ा सा सुविधा चाहिए और इस सुविधा को बहुत थोड़े से प्रयास से पाया जा सकता है, ये उनका एक सजेशन था। फिर हमसे पूछे कि तुम्हारे पास जमीन है उसमें झाड़ है कि नहीं है, खेती करते हो कि नहीं करते, ऐसे थोड़े थोड़े बातें। और उसमें फिर बात निकल कर आई कि समृद्धि के बहुत सारे तरीके हैं, है ना, तो छोटी छोटी बातें हमको अभी याद आ रही कि किस तरीके से जो हम समृद्धि को इतना बड़ा मान लिए और पूरा एक पूरी दुनिया का फ्लो, है ना, उस ओर हमने बढ़ा दिया है और उस समृद्धि के नाम पे हम कहीं और चले गए हैं, है ना, सुविधा संग्रह जिसको बाबा जी कह रहे हैं, उससे इतनी समस्या धरती पर हर लेवल पे आ चुकी है और मानव तृप्त नहीं है। इसका सिंपल सा समाधान है परिवार में। तो परिवार में क्यों हो पा रहा है, क्योंकि परिवार में जो हमारे भाव है, भाव पक्ष का तृप्ति होता है, इसलिए अभाव से हम वैसे ही मुक्त हो जाते हैं। यदि हमारे भाव
पक्ष का तृप्ति हुआ है, मूल्य मूल्य के अनुसार हम जी पा रहे हैं, हम सुखी हैं, तो सुखी व्यक्ति का जो आवश्यकता है वो सीमित ही है और इसलिए उसको पूरा करना बहुत आसान है। आगे चलते हैं। समझदार परिवार होने के उपरांत एक ही परिवार में दो चार व्यक्ति ऐसा उत्पादन क्षमता वाले हो जाते हैं, तो हर परिवार में दो चार व्यक्ति होते ही हैं जो उत्पादन कर सकते हैं। जब परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है तब समझदार परिवार में समाधान समृद्धि प्रमाणित होने का सौभाग्य उदय होता है। सौभाग्य का मतलब है सर्व सुख में, है ना, सर्व सुख के अर्थ में जो कार्य व्यवहार है वो सब सौभाग्य के अर्थ में है, तो जो सर्व सुख है उसको हम देख सकते हैं, सर्व सुख उदय हो सकता है। कब? जब परिवार में समाधान समृद्धि प्रमाणित हुआ तो उससे ही सर्व सुख उदय हो सकता है। इससे यह परिवार जनों के लिए प्रसन्नता और विश्वास से संपन्न होना बन जाता है। इसलिए परिवार में प्रसन्नता और विश्वास ये दोनों होता है। परिवार के हर सदस्य अपने में विश्वास करने योग्य हो जाते हैं। तो परिवार में हर सदस्य कब विश्वास करने योग्य होता है? जब उस परिवार में समाधान है और समृद्धि है। समाधान और समृद्धि के अभाव में कोई भी परिवार ना तो प्रसन्न हो सकता है ना हो उसमें विश्वास आ सकता है। तो जो विश्वास है जिसकी हम बात कर रहे हैं, विश्वास, विश्वास का एकमात्र आधार है कि परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जीना, इसी से विश्वास होता है। स्वयं में विश्वास होने से श्रेष्ठता का सम्मान होता है ना? अगर स्वयं में विश्वास है तब श्रेष्ठता का सही सही पहचान हो जाता है, पाता है, श्रेष्ठता का सही मूल्यांकन हो पाता है, श्रेष्ठता का सम्मान हो पाता है। और श्रेष्ठता को हमने किस रूप में देखा? श्रेष्ठता को हम मूल रूप से चेतना के स्तर पे देख रहे हैं। तो हमने क्या देखा? जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ, मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठतर, देव चेतना से दिव्य चेतना श्रेष्ठतम। तो श्रेष्ठता को तीन लेवल पे देखा, मानव चेतना के रूप में, देव चेतना के रूप में, दिव्य चेतना के रूप में। समझदारी का प्रमाण होना, समझदारी संपन्नता के प्रमाण में व्यक्ति का व्यवहार में, सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी होने का प्रमाण अपने आप में उदय होता है। इस तरह से हम व्यवहार में सामाजिक, मतलब समझदारी संपन्न होते हैं, व्यवहार में सामाजिक होते हैं और व्यवसाय में स्वावलंबी होते हैं। कहाँ पे? परिवार में। ये सब क्या है? स्वायत्त मानव के गुण है। एक मानव स्वायत्त मानव कहाँ हो सकता है? अकेले में नहीं हो सकता है। अकेले में मानव की स्वायत्तता स्थापित नहीं हो सकती है। तो मानव जब भी स्वायत्त होगा वो किसी परिवार में ही हो सकता है, और हर मानव स्वायत्त मानव होना ही चाहता है। हम किसी के अधीनता में जीना नहीं चाहते हैं। तो स्वायत्त मानव परिवार में होता है। और परिवार कब बना? जब उसमें समाधान और समृद्धि, ये दोनों लक्ष्य पूरा होता है। ऐसी उदयशीलता मानव के ज्ञानावस्था की इकाई होने का फलन है। ये क्यों हो पा रहा है मानव स्वायत्त? क्योंकि मानव ज्ञानावस्था की इकाई है, और ज्ञानावस्था की इकाई का जो फल है यही है कि हम मानव स्वायत्त मानव हो सकते हैं। स्वायत्त मानव का मतलब है हम स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी। ये पांचों मानवीय सत्वों से हम सब संपन्न हो सकते हैं। सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व निरंतर है। तो क्या कह रहे हैं अब आगे? सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व निरंतर है, इसलिए दर्शन ज्ञान निरंतर है। अस्तित्व निरंतर है इसलिए दर्शन ज्ञान निरंतर है। जीवन निरंतर है इसलिए जीवन ज्ञान निरंतर है। मानवीय आवश्यकता निरंतर है इसलिए मानवीय आवश्यकता ज्ञान भी निरंतर है। इन्हीं ज्ञान राशि के आधार पर विवेक संपन्न विज्ञान, विज्ञान संपन्न विवेक विधि से जीवन लक्ष्य और मानव लक्ष्य प्रमाणित होने की विधि का निश्चयन करना ही संपूर्ण सहअस्तित्ववादी प्रबंध शास्त्र विचार और दर्शन है। यही अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान मध्यस्थ दर्शन है। तो अब इसी को पूरा करने के लिए, इसी के अर्थ में विवेक संपन्न विज्ञान और विज्ञान संपन्न विवेक, इससे क्या होता है कि मानव लक्ष्य प्रमाणित होता है। इससे जीवन लक्ष्य जो है, जीवन लक्ष्य पूरा होता है। इसका निश्चयन किस तरह से कर रहे हैं? वह है सह अस्तित्ववादी
जितने भी बाबा जी ने वांग्मय लिखा है। सअस्तित्ववादी वांग्मय में चार मोटे भाग हैं। एक तो है प्रबंध। प्रबंध किसको कह रहे हैं? संविधान। जो हमारा संविधान है, मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान, वह है प्रबंध। शास्त्र, विचार मतलब वाद, और दर्शन। सो दर्शन, वाद, शास्त्र और संविधान, इस अर्थ में ये चारों भाग में हमारा पूरा पूरा जो ज्ञान पक्ष है वो पूरा होता है। जो विवेक है, विज्ञान की बात है, ये पूरा संपन्नता होता है उससे। और यही क्या है? अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान या मध्यस्थ दर्शन, इसी को मध्यस्थ दर्शन बोलते हैं। इस क्रम में हर आयाम में दर्शन, विचार, शास्त्र, ज्ञान से संपन्न होने की अनवरत संभावना बनी है। तो निरंतर ये संभावना बनी है कि हम सब इस क्रम में हर आयाम में, है ना, दर्शन, ज्ञान, दर्शन, विचार, शास्त्र, ज्ञान से संपन्न होने की अनवरत संभावना है, निरंतर संभावना है। इसलिए मानव परंपरा का जागृत होना एक अवश्यम भावी स्थिति है। मतलब मानव जागृत होगा ही, ये वाली बात आ गई। मतलब ये भविष्य में जब हम अवश्यम भावी कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं, है ना, भविष्य में ये ऐसा घटित होगा, ऐसा कह रहे हैं। इसके लिए अस्तित्व सहज प्रेरणा प्रेरणा ज्ञानावस्था के मानव में प्रमाणित है, नित्य प्रभावी है। तो इसके लिए प्रेरणा भी है, है ना, मानव में अस्तित्व सहज प्रेरणा है और ये नित्य प्रभावी है। हर मानव ऐसा चाहता ही है, हर मानव समझदारी को चाहता ही है, हर मानव अपने को समझदारी मानता है। भले ही वो समझदार ना हो, फिर भी किसी भी अवस्था में वो अपने को समझदार मानता है, क्योंकि आदमी नासमझ है वो उसको स्वीकार नहीं है। इस क्रम में ही मानव का अभ्युदय प्रमाणित हो जाता है। तो इसी तरह से जो जीवनाकांक्षा है वह है अभ्युदय और वो प्रमाणित हो जाता है। मतलब क्या है कि समाधान, समृद्धि, अवश्य अस्तित्व, जो मानव लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति हो जाती है, उसका प्रमाण मिल जाता है। मानव का अभ्युदय अपने स्वरूप में सर्वतोमुखी समाधान अर्थात संपूर्ण समाधान के रूप में ही प्रमाणित हो जाता है। संपूर्ण ज्ञान ही संपूर्ण समाधान है, क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही विज्ञान और विवेक सम्मत समाधान निर्णयों के रूप में निकलती है। तो ज्ञान के आधार पर ही विज्ञान और विवेक सम्मत समाधान निर्णयों के आधार पर निकलती है, है ना। यह अजस्र क्रिया है, अनवरत, सदा सदा क्रिया है। यह अजस्र है, अनवरत है, सदा सदा है, ऐसा बना हुआ है ना। तो इस तरह से इसमें समाधान अभ्युदय, समाधान सहज, एक निरंतरता है इस पूरे कार्यक्रम। यहां तक हमारा परिवार का बात पूरा हो गया। अभी तक जो बात हुई, पहले मानव की बात पूरी हुई और यहां पे आकर के परिवार की बात पूरी हुई। अब इस परिवार से जुड़ा हुआ नेक्स्ट जो बात आती है वह है समाज। तो आगे हम लोग अब समाज का अध्ययन करने जा रहे हैं कि किस तरह से ये जो बात अभी तक कही गई इसका समाज से कैसे लिंक है। इसमें शायद कुछ क्वेश्चन आंसर भी लगता है कि लोगों ने किया है, तो मैं क्या करता हूं कि पूरा चैप्टर हो जाता है तो अंत में क्वेश्चन आंसर को लेता हूं। यह तथ्य स्पष्ट हो गया, तो परिवार पूरा हो गया, अब समाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अगले पैराग्राफ में। यह तथ्य स्पष्ट हो गया कि मानव समझ के आधार पर परावर्तन होने के क्रम में अनुभव प्रमाणों को प्रस्तुत करता है, जिसके फलन में जीवनाकांक्षा, महत्वाकांक्षा प्रमाणित होना स्पष्ट है। ठीक, तो उसी के फल में परावर्तन होने के क्रम में, है ना, अपने अनुभवों को प्रमाणों के, अनुभवों के प्रमाणों को प्रस्तुत करता है। उस क्रम में क्या बात निकल कर आई, क्या चीज स्पष्ट हुआ? जीवनाकांक्षा और मानवाकांक्षा, दोनों प्रमाणित हुआ। इंटरनेट चल रहा है? ओके। क्योंकि आज यहां पे थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम लगता है मेरे को, है शायद चल ही रहा होगा।
देखिए, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच विपिन भाई जी, चल रहा है। इसके साथ यह भी स्पष्ट होता है कि अनुभव मूलक विधि से समझे हुए को समझाने, सीखे हुए को सिखाने, किए हुए को कराने की विधियां अनुभव मूलक परावर्तन से सार्थक होती है। इसी क्रम में जो कुछ भी मानव का उत्पादन है वह उसका परिवार की सीमा में उपयोग, समाज के अर्थ में सदुपयोग और सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में प्रयोजनशील होना इंगित हो चुका है। यह भी इंगित हुआ है कि मानव की आवश्यकताएं शरीर पोषण संरक्षण समाज गति की सीमा में है। समाज गति अपने में अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था का संयुक्त गति है। अखंड समाज अपने अपने में पहले से स्पष्ट हो चुका है, तो जो हमारे परिवार में जो उत्पादन हुआ, तो वो जो उत्पादन हुआ, उत्पादन चूंकि परिवार में, क्या हमने देखा कि परिवार में एक समृद्धि है, जो आवश्यकता है उससे अधिक उत्पादन हुआ, तो जो शेष है उसका हम क्या करेंगे, सदुपयोग। सदुपयोग मतलब उसको हम अखंड समाज के अर्थ में, शिक्षा के अर्थ में उसका नियोजन, और दूसरा क्या है उसका प्रयोजनशीलता, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में उसका नियोजन। इस तरह से हम देखते हैं कि परिवार में ही उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनशीलता तीनों रूपों में हर परिवार अपने जो भी भौतिक चीजें हैं उसको उसका नियोजन करता है, और इस तरह से एक परिवार दूसरे परिवार आपस में जुड़ करके एक समाज और अखंड अखंड अखंडता तक और उसके साथ फिर सार्वभौम व्यवस्था तक पहुंचते हैं। अगले पैराग्राफ में हम लोग समाज से फिर व्यवस्था की ओर जा रहे हैं। सभी परिवार समाधान, समृद्धि, संपन्नता के उपरांत वस्तुओं को कहां नियोजित करेंगे, यह प्रश्न समान रूप में उदय होता ही है। इसमें यह इस प्रकार से अनुभव किया गया है कि मानव परिवार में समाधान, समृद्धि, संपन्न होने के उपरांत उपकार प्रवृत्ति उदय होती है। तो उपकार प्रवृत्ति तभी उदय होती है जब परिवार में समाधान समृद्धि इस्टैब्लिश हो गया। समाधान समृद्धि की उपलब्धि के बाद ही उपकार करना बनता है, और उपकार को कैसे हमने देखा, समझे हुए को, जो भी हम समझे रहते हैं उसको समझाने के रूप में, सीखे हुए को सिखाने के रूप में, और किए हुए को कराने के रूप में हमने उपकार की को देखा। समझदार परिवार का जन प्रतिनिधि ही समग्र व्यवस्था में भागीदारी करेगा। समग्र व्यवस्था में भागीदारी कौन करेगा, उसके लिए उन्होंने जो क्राइटेरिया दिया है, समझदार परिवार का जन प्रतिनिधि। समाज गति के लिए जो कुछ भी वस्तुएं नियोजित होती हैं, ये सब समृद्ध परिवार से ही प्रदत्त रहता है। तो जो समाज गति है उसके लिए जो कुछ भी है ना, सोसाइटल प्रोग्रेस जो है उसके लिए जो कुछ भी वस्तुएं चाहिए वो कहां से नियोजित होती है, वह है समृद्ध परिवार से, वही उसको प्रदान करता है। समृद्ध परिवार ही प्रदान करेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक कम से कम कनाडा में और बाकी जगह तो ये देख ही सकते हैं कि हम सुबह उठ जाते हैं, हम लोग काम पे जाते हैं, गाड़ी स्टार्ट किए, काम पर गए किस लिए गए, पैसा कमाने गए। तो अभी हम समाज में जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, समाज में इसलिए जा रहे हैं कि वहां से हम कुछ लेकर अपने घर ले आएंगे। तो अभी हम सभी सब घर से है ना, कोई अकेला रहता हो, साथ में रहता हो, हर आदमी समाज में जा रहा है ना, वहां से कुछ लेकर अपने घर में ले आने के लिए। अभी यहाँ क्या उसके उल्टी बात कर रहे हैं, यहाँ घर में पैदा होता है और समाज में वो कुछ देने के लिए जा रहा है, समाज में वो देता है, समाज से लेने के लिए नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये समृद्धि जो है परिवार में है, तो परिवार अब देने की जगह पे खड़ा हो गया। किसको? उत्पादित वस्तुओं को, पैसे को नहीं। पैसा अगर लेना देना अभी तो चल रहा है, लेकिन जो वस्तुएं हैं वो मनुष्य को मूल रूप से चाहिए, पेपर मनी नहीं चाहिए। तो वस्तुएं परिवार में उत्पादित होंगी और आवश्यकता से अधिक होंगी, अपनी आवश्यकता जितनी उतना उसका पूरा हो गया, जो शेष है उसका सदुपयोग होना, शिक्षा और समाज के लिए लगाना, और उसका प्रयोजनशीलता सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में लगाना,
इस तरीके से व्यवस्था बनेगा। यहां तक हर हालत में अर्थात कितने भी जागृत होने के उपरांत भी नियोजन होता ही है, तो यहां तक नियोजन होगा ही। इस प्रकार समाज गति के साथ ही व्यवस्था को मानव प्रमाणित कर पाते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो सोसाइटल प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस होने के साथ ही व्यवस्था प्रमाणित होगी। अगर ऐसा नहीं है तो व्यवस्था प्रमाणित नहीं हो सकती है। व्यवस्था में भागीदारी करता हुआ एक जन प्रतिनिधि किसी परिवार का ही रहेगा। अब क्या कह रहे हैं कि जो व्यवस्था में भागीदारी करता हुआ जन प्रतिनिधि कहां का होगा? कोई परिवार का होगा। तो परिवार से जन प्रतिनिधि चुने जाएंगे, ये मुख्य बात है। तो परिवार से जन प्रतिनिधि चुने जाएंगे और जो जन प्रतिनिधि है उनके शरीर का पोषण, संरक्षण और समाज गति के लिए जितने भी वस्तुएं चाहिए वह सब समझदार समृद्ध परिवार द्वारा प्रदत्त रहेगा। तो उनके खाने पीने का सारा प्रबंध, उनकी जो भी आवश्यकता है उसका सारा प्रबंध कहां से होगा? परिवार से होगा। अभी क्या हो रहा है, हम व्यवस्था में इसलिए जा रहे हैं, बहुत जगह तो ऐसा होगा कि अच्छा इनकम है, एक फिक्स्ड इनकम, और उसका इनकम बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी इस वाले व्यवस्था में हम व्यवस्था से कोई कमाई नहीं कर रहे, हम व्यवस्था में अपना नियोजन कर रहे हैं, व्यवस्था में लगाते हैं। ये अगेन अलग ढंग से व्यवस्था को देखने का प्रयास है, तो ही समाज आगे बढ़ेगा, नहीं तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इस प्रकार हर परिवार से समाज गति में भागीदारी, योगदान और वस्तुओं का उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजन अपने आप में सुनिश्चित रहता है। इसी स्थिति गति में वैभवित जागृत मानव परंपरा के रूप में होना पाया जाता है। तो इस तरह से जागृत क्या बोल रहे हैं कि इसी स्थिति गति में, तो अब यहाँ पे फिर से स्थिति गति की बात आ गई और आपको याद ही होगा स्थिति गति की हम बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे थे कि स्थिति का मतलब है स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी। इस तरह से परिवार में मानव जो है मानव तो सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर पाता है। तो ही हम इस अब पूरा यहाँ पे जो स्थिति गति को हम लोगों ने शुरू किया था यहाँ पे आकर वो बात पूरी हो पाती है, किस तरह से स्थिति गति की जो पूर्णता है यहाँ पे आगे है। अभी यहां तक हम लोगों ने अब व्यवस्था की बात कर ली, तो सबसे पहले हमने मानव का अध्ययन किया, फिर परिवार में देखा और उसके बाद समाज और फिर व्यवस्था। अब आगे हम लोग चल रहे हैं व्यवस्था से फिर परंपरा की ओर। अगला जो कनेक्शन है परंपरा, तो अगला पैराग्राफ में अब परंपरा कैसे बनेगी उसके बाद आगे आ रहे हैं। जागृत मानव सहज परावर्तन प्रत्यावर्तन क्रियाकलाप विधा में कुछ मुद्दों पर अध्ययन करने की आवश्यकता को अनुभव करते हुए प्रस्तुत किया गया। तो क्या करें, जागृत मानव सहज परावर्तन प्रत्यावर्तन क्रियाकलाप विधा में कुछ मुद्दों पर अध्ययन करने की आवश्यकता को अनुभव करते हुए प्रस्तुत किया गया। तो उस रूप में सारे बात प्रस्तुत है। परावर्तन प्रत्यावर्तन क्रियाओं का मूल आशय हर मानव अर्थात हर नर नारी में स्वस्थ, सुंदर, सुखद, सौभाग्य, संपन्नता पूर्वक जागृति का प्रमाण प्रस्तुत करने के अर्थ में पहचाना गया। तो हर नर नारी एक स्वस्थ सुंदर है ना, सुंदर वही है जो प्रयोजन के अर्थ में सब सुंदर है, और सुखद, सुखद का मतलब है जो मानव लक्ष्य है समाधान समृद्धि अवश्य अस्तित्व, तो उसका प्रमाण उसका परंपरा वो सारा सुखद। सौभाग्य जो भी सर सुख के अर्थ में हम कार्य व्यवहार करते हैं सभी सौभाग्य का बात है। तो ये संपन्नता पूर्वक जागृति का प्रमाण प्रस्तुत करने के अर्थ में पहचाना गया है। परम सौभाग्य को हर मानव में जागृति समझ ज्ञान विज्ञान विवेक के रूप में पहचान होना एक सहज क्रिया है, ठीक है। तो परम सौभाग्य को किस रूप में, जागृत मानव में जागृति समझ ज्ञान विज्ञान विवेक के रूप में पहचान। सुखद स्थिति गति का प्रमाण समाधान समृद्धि पूर्वक परस्पर पहचान होना है ना,
विश्वास होना पाया जाता है। सुखी होने का विश्वास भी समाधान समृद्धि के आधार पर ही हो पाता है। मैं सुखी हूं, आप कैसे कहेंगे भी मैं सुखी हूं? तो ये जो मैं सुखी हूं इसका विश्वास कैसे होगा? तो इसका विश्वास तभी होगा कि मैं सुखी हूं, ये मेरे में विश्वास तब आता है जब मैं समाधान समृद्धि के आधार पर जी रहा होता हूं। यदि समाधान समृद्धि नहीं है तो मैं सुखी हूं इसका विश्वास नहीं हो सकता है मानव। सुंदरता को हम जागृत मानव परंपरा में व्यक्तित्व के रूप में पहचानते हैं। व्यक्तित्व तो अपने में समझदारी के अनुरूप किया जाने वाला आहार विहार व्यवहार ही है। तो जो सुंदरता को कैसे पहचाना? व्यक्तित्व के रूप में। और व्यक्तित्व को कैसे पहचाना? आहार विहार व्यवहार के रूप में। और किस तरह का आहार कह रहे हैं? मानवीय आहार, मानवीय विहार, मानवीय व्यवहार, है ना। अभी हम लोग एक छोटा सा गड़बड़ी, आहार की गड़बड़ी से दुनिया में अभी बहुत बड़े बड़े जो बीमारियां इंक्लूडिंग कोरोना, है ना, उसके पहले भी आप कई सारी बीमारियों का अध्ययन करेंगे तो उसके मूल में कहीं ना कहीं आदमी का अभी आहार में व्यतिरेक है। आदमी अपनी मानव जाति अभी आहार को सुनिश्चित नहीं कर पाई। और जब यहां आहार की बात कर रहे हैं तो खाली शाकाहार की बात नहीं कर रहे हैं, केवल शाकाहार का मुद्दा नहीं है। शाकाहार तो है ही, है ना, पशु भी शाकाहार करता है। इस आहार के पीछे एक मानसिकता है ना, ये जो मानवीय मानसिकता है उसके साथ आहार, तो मानवीय मानसिकता के साथ आहार, तो आहार को मानसिकता के साथ जोड़कर देखना। विहार एक मानवीय मानसिकता के साथ विहार, है ना, मानवीय मानसिकता के साथ व्यवहार। तो मानसिकता मुख्य बात है। यही जो मानसिकता है वो हमारे आहार विहार व्यवहार जो भी हम चयन कर रहे हैं उसे मैनिफेस्ट होता। तो हमारी असली सुंदरता जो है ना वो जीवन की सुंदरता है, शरीर की सुंदरता नहीं है। अभी हम लोग जो मुख्य रूप से सुंदर पहचानते हैं या वो हम लोग अभी शरीर के आधार पर पहचानते हैं, जबकि सुंदरता का मूल जो रूप है वो जीवन में है। और वो जीवन में जो सुंदरता है वो मानवीयता पूर्ण जो मानसिकता है उसमें निहित है। जो अमानवीयता पूर्ण मानसिकता है, जो अमानवीय मानसिकता है पूर्ण नहीं सॉरी जो अमानवीय मानसिकता है वो सुंदरता नहीं है। ठीक है, तो ये तीन बातों से ही सुंदरता है, है ना। और ये तीन बातें हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है, इसी से हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यवहार सेवन से संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति सहित संबंधों का सेवन होता है। तो व्यवहार सेवन से क्या होता है? व्यवहार सेवन से संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति सहित संबंधों का सेवन होता है, है ना। संबंधों का जो है आस्वादन, संबंधों में हम निर्वाह करना, संबंधों में जी पाना, ऐसा हो पाता है। ऐसे सेवन में सेव्यता और सेविकीयता दोनों समाया रहता है, है ना। तो ऐसे सेवन में क्या है? सेव्यता भी है और सेविकीयता भी है। तो सेव्यता क्या है? जो व्यवहार के लिए आवश्यक जो चीजें हैं वो सेव्यता, है ना, जो भी उसमें संबंध मूल्य भाव वो, और सेविकीयता ये जो व्यवहार करने की क्रिया, दोनों उसके साथ शामिल है, दोनों के साथ ही व्यवहार हो पाता है। सेव्य सेवा विद्या में संपूर्ण संबंध प्रयोजनों के अर्थ में निर्वाह किया जाना बनता है। तो कह रहे हैं कि जो सेव्य सेवा विद्या में संपूर्ण संबंध, सेवा विद्या में संपूर्ण संबंध, तो जो सेवा विद्या में संपूर्ण संबंध प्रयोजनों के अर्थ में निर्वाह किया जाता है। तो जो सेवा है वो जिसमें हम अपने तन मन धन को पूरी तरह से लगाते हैं, है ना, किस अर्थ में? दूसरे की सहायता के अर्थ में, परस्पर अभ्युदय के अर्थ में। तो ये जो सेवा विद्या है ये संपूर्ण संबंध प्रयोजनों के अर्थ में निर्वाह किया जाता है। तो ये पूरा प्रयोजन से जुड़ा हुआ है, फल स्वरूप प्रयोजन का सेवन होता है। इस तरह से हम प्रयोजन का सेवन कर पाते हैं। प्रयोजनों का मुख्य रूप जागृति व्यवस्था में मानव और आकांक्षा का प्रमाण ही है।
तो प्रयोजनों का मुख्य रूप क्या है? जागृति है, व्यवस्था में मानव का होना, और ये जो उसकी आकांक्षा है समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व, उसका प्रमाण। इन प्रयोजनों के अर्थ में ही संबंध को पहचानना समझदारी की महिमा है। समझदारी की बात क्या है कि प्रयोजनों के अर्थ में संबंध को पहचानना। अभी हम कहां पे खड़े हैं? शरीर के साथ संबंध को पहचानना। तो ये जो शरीर के साथ संबंध को पहचानना एक बात हो गया, और प्रयोजन के साथ संबंध को पहचानना दूसरी बात हो। तो जो प्रयोजन के साथ संबंध को पहचान लिया, हर संबंध को प्रयोजन के अर्थ में पहचान लेना ही समझदारी है, इसी को समझदारी नाम दे रहे हैं। मानव में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता से समझदारी, ईमानदारी और भागीदारी पर्यंत जो अध्ययन, प्रयोग और प्रमाण वैभव है, केवल मानव में ही प्रमाणित होता है। तो कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता से क्या? समझदारी, ईमानदारी और भागीदारी पर्यंत जो अध्ययन, प्रयोग और प्रमाण वैभव है, केवल मानव में ही प्रमाणित होता है। तो समझदारी का मतलब क्या है? ज्ञान, विवेक, विज्ञान, संपन्नता, है ना। ईमानदारी का मतलब हो गया इसमें उस जो ज्ञान विवेक है उसके साथ निर्णय ले पाना, सही निश्चयन कर पाना, है ना। और फिर भागीदारी की बात आती है, इसमें जो हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, उसको पहचान पाना, उसका वहन कर पाना, उसका निर्वहन कर पाना। तो इस रूप में हम देखते हैं कि हमारा अध्ययन, प्रयोग और प्रमाण का वैभव केवल मानव में ही प्रमाणित होता है। ये कहाँ प्रमाणित होता है? ये समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी, वो केवल मानव में ही प्रमाणित होता है। यह सर्व मानव में से के लिए समान है, और ये सभी मानव में से के लिए समान है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, दुर्बल हो, पतला हो, गोरा हो, काला हो, धरती के किसी भी अंगभूत देश में हो, काल में हो, सभी मानव में समझदारी की संभावना, उपलब्धि की संभावना, समीचीनता समान है। तो कहीं भी हो, आदमी कैसा भी हो और कहीं भी हो, किसी भी समय में हो, ये था कि ज्ञान किसी एक खास भूमि पे ही होगी, है ना, वो भारत में होगी, कहीं और होगा। एक और बड़ी अच्छी बात याद रहती है, जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो बाबा जी ने एक बार बोला कि इसको वो कनाडा नहीं बोलते थे बाबा जी। बाबा जी हमेशा कनाडा को अमेरिका ही मानते रहे, अमेरिका बोलते रहे। तो बोलते थे कि बोले कि देखो तो भारत की धरती पे प्रमाणित हो गया ये बात, है ना, और लोग मानते ही हैं कि ये भारत पुण्य भूमि है, ऐसा मानते हैं। ये बात सर्व भूमि में प्रमाणित हो सकता है, उसको तुम अमेरिका में प्रमाणित करो, तो ऐसा बोला। इसका मतलब क्या है कि इसके लिए कोई जगह विशेष की बात नहीं है, गोरे काले की बात नहीं है, इसको हर मानव समझ सकता है और कहीं भी इसको समझ सकता है, इसको प्रमाणित कर सकता है, और ये हर जगह निकटवर्ती है। उपलब्धि का प्रमाण यह मानव परंपरा में व्यवस्था पूर्वक स्पष्ट होने का संपूर्ण गौरवमयी ढांचा खाचा होना पाया जाता है। तो उपलब्धि का प्रमाण क्या है कि यह मानव परंपरा के अर्थ में पूरी उपलब्धि की बात है, और ये जो व्यवस्था पूर्वक स्पष्ट होने से गौरवमयी ढांचा खाचा, एक उसका पूरा ढांचा, स्ट्रक्चर बाबा जी ने एक प्रस्तावित किया है, वो परंपरा के रूप में हमको मिलता है। ऐसा ढांचा खाचा अथवा यह वैभव मानव का परावर्तन, प्रत्यावर्तन विधि से प्रमाणित हो पाता है। इसका दूसरा कोई मापदंड व प्रक्रिया होता नहीं। समझदारी का परावर्तन, प्रत्यावर्तन प्रयोजन के चलते मानव अपने में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में सूत्र और व्याख्या परावर्तित, प्रत्यावर्तित होना ही प्रमाण है। तो परावर्तित, प्रत्यावर्तित प्रमाण के रूप में क्या देख रहे हैं? वो है प्रयोजन। और क्या है प्रयोजन? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। तो जो अल्टीमेट हमारा जो गम्य स्थली है, जहां जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा का जो डेस्टिनेशन है, जहां हमको पहुंचना है, वो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। यही हर मानव का प्रयोजन है। यही अध्ययन, अध्यापन, मूल्य मूल्यांकन, समाधान समृद्धि, अभय सह अस्तित्व के रूप में प्रमाणित होना अर्थात सुलभ व स्वीकृत है। तो क्या सुलभ होना, क्या प्रमाणित होना, क्या सुलभ होना? वह है अध्ययन, इसके लिए अध्यापन, मूल्य
मूल्यांकन समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व। यह प्रमाणित होना ही परावर्तन प्रत्यावर्तन का प्रयोजन है, यह प्रमाणित हो जाए यही परावर्तन प्रत्यावर्तन का प्रयोजन है, यही मानव परंपरा का भी प्रयोजन है। तो अंत में मानव परंपरा होने का क्या प्रयोजन है, इसी का प्रमाण। यही नियति विधि से गम्य स्थली है, तो गम्य स्थली नियति विधि से अस्तित्व में जो बनावट है, अस्तित्व की बनावट का जो गम्य स्थली है वह मानव द्वारा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का स्थापना, उसका प्रमाण, उसका परंपरा। यही सर्व मानव की आवश्यकता है, यही हमारा जो सभी मानव है उसकी जो अल्टीमेट जो नेसेसिटी है, जो मुख्य हमारी आवश्यकता है ना, जो जिसको हम आवश्यकता कह रहे हैं, आवश्यकता यही है कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था स्थापित हो जाए। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था से ही जो तीन समस्याएं हमने पहले इंडिकेट किया था, जिसमें धरती का जो ताप में असंतुलन है, उसके साथ जो प्रदूषण है, मानव जो असुरक्षित है, उसके लिए तीन जो बात की थी अध्ययन वाले अध्ययन में बिंदु में जो बात आई थी, जिसमें धरती का संतुलित होना, ऋतु का संतुलित होना और मानव सदा सदा धरती पे बने रहना, मतलब मानव और धरती सदा सदा बना रहे, इसके लिए जो बात है यही मानव की आवश्यकता है। मानव की आवश्यकता है कि मानव सदा बना रहे और धरती सदा बना रहे और दोनों एक दूसरे के साथ परस्पर उपयोगी पूरक बने रहे। तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पूरा हो जाता है परावर्तन प्रत्यावर्तन का। हम लोगों ने दो चैप्टर किया, स्थिति गति बल शक्ति, स्थिति गति एक पहला चैप्टर था, दूसरा चैप्टर था परावर्तन प्रत्यावर्तन। तो हमारा तो यहाँ पूरा हो गया, अभी मैं कुछ क्वेश्चन को देखता हूँ क्या है प्रश्न, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है, हेमंत मोहरीर भैया का है कि विवेक संपन्न विज्ञान, विज्ञान संपन्न विवेक समझाइए। संपन्न मतलब सम्मत, विवेक सम्मत विज्ञान, यह ज्ञान विवेक विज्ञान। ज्ञान तो आपको पता ही है कि बेसिकली जो ज्ञान है वो मानव में स्वीकृति के रूप में, और जो विवेक है वो जीने में निश्चय के स्वरूप, और जो विज्ञान है वो कार्य व्यवहार के स्वरूप में हमको दिखाई देता है। तो तीन बातें हैं, एक तो अस्तित्व सह अस्तित्व है और उसमें विकास क्रम विकास है, जागृति क्रम जागृति है। उस अस्तित्व सह अस्तित्व में हमने देखा कि जो विकास है जीवन है, और फिर मानव है उसमें मानव का कोई एक निश्चित आचरण है, ये सब सारी बातें स्वीकृति की है। दूसरा क्या, अगर हमको ये स्वीकार होता है ऐसा, तो फिर जीने में कोई निश्चय की बात आती है ना। वो कब होता है, क्योंकि उसके समझ आने से हमको जो दिखाई देता है वह है जीवन का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व, व्यवहार के नियम, और यहां से मानव का जो लक्ष्य है वो स्पष्ट हो जाता है। तो मानव का लक्ष्य पूरा करने के लिए फिर विज्ञान की बात है। तो विज्ञान विवेक सम्मत विज्ञान का मतलब है कि जो मानव लक्ष्य है वो पूरा हो जाए उसके लिए फिर विज्ञान है। तो विज्ञान में हम लोगों ने पीछे देखा, पहले वाले क्लास में भी आया था ये बात, तो उसमें निर्णय का होना, क्रिया समझ में आना और काल समझ में आना, तीन बातें समझ में आना। तो उस जो निश्चयन हुआ, सही गलत की पहचान हुई, उससे लक्ष्य तय हुआ और उस लक्ष्य को पाने के लिए विज्ञान। तो जो मूल जो बात है उसमें है व्यवहार का नियम, हमको व्यवहार कैसे करना है प्रकृति के साथ और मानव के साथ, और जो इसका निर्णय वाला भाग है उसके अंदर जो इसका एग्जीक्यूशन है, उस निर्णय में भी क्या करना है, उसी का निर्णय करना है कि किस तरीके से हम मानव के साथ और प्रकृति के साथ निभेंगे। तो जो आपका निश्चयन है और उस निश्चयन के अर्थ में ही कार्य व्यवहार है, इस तरह से दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जागृत मानव परंपरा में मिल्क का उपयोग होगा,
क्या एनिमल का उपयोग एग्रीकल्चर में होगा? हाँ जी, जागृत मानव परंपरा में होगा। हम लोगों ने जागृत मानव को देखा है ऐसा करते हुए। जागृत मानव था वो खेती भी करते थे, गाय भी थी और दूध भी पीते थे, मलाई भी खाते हुए देखा है, घी भी खाते हुए देखा है। तो कम से कम प्रमाण के रूप में तो हमने खुद ही देखा है इसको। और अगर आप ठीक से समझेंगे, हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे, अभी हमारे एक प्रेम सिंह भैया जी हैं बांदा में, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा काम खेती में कर रहे हैं और उनकी विद्या की भी पकड़ बहुत बढ़िया है। तो एक जीता जागता प्रमाण प्रेम सिंह भैया जी के को मिल सकते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे कि खेती में गाय का क्या रोल है, तो बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से बता सकते हैं। और आप देखेंगे कि अगर हमको एक एक बढ़िया खेती चाहिए तो उसके अंदर जानवर चाहिए, गाय चाहिए, तो वो बता सकते हैं। दूसरे मामा जी हैं भारत भूषण त्यागी जी, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, वो भी आपको उसका पूरा रोल बताएंगे कि किस तरीके से चारों अवस्थाओं का एक दूसरे के साथ संबंध है। तो जब हम उत्पादन की बात कर रहे हैं तो उसमें मानव है, जीव जानवर है, सभी का एक लिंक है, तो उसमें बात हो सकती है बहुत अच्छे से। और ये जो मिल्क का उपयोग होगा कि नहीं, तो मिल्क जो है बहुत ही सर्वोत्तम आहार है और उसको हम मानवीय विधि से प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो मिल्क हम लोग प्राप्त कर रहे हैं वो अमानवीयता के साथ जुड़ा हुआ है, तो अमानवीय ढंग से जो हम लेते हैं तो मनुष्य के लिए अनुकूल नहीं है, अदरवाइज अनुकूल है वो, तो उस पर बात किया जा सकता है। आप एक दो लोगों से कनेक्ट करिए और वो ज्यादा उस पर अच्छे से बता पाएंगे कि किस तरह से एग्रीकल्चर में उसका उपयोग होगा। मैं तो अभी खेती करता नहीं देखा और मुझे बहुत गहरे जानकारी नहीं, जो थोड़ा बहुत जानकारी है वो प्रेम भैया की छोटी सी किताब है आवर्तनशील खेती, उसके हिसाब से मेरे पास थोड़ा बहुत जानकारी खेती की है, प्रैक्टिकल नॉलेज मेरा नहीं है। और अपने मामा जी और इन लोगों ने, एक भारत भूषण त्यागी जी और प्रेम सिंह भैया जी ने कुछ क्लासेस भी लिया था, इसके ऊपर चर्चा भी हुई थी, तो उस समय भी सुना था। अगर प्रैक्टिकली जानना है तो यही लोग ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। भैया मेरा छोटा सा प्रश्न पहले छूट गया। भैया जितना जान पाते हैं उतना चाह नहीं पाते, इस सूत्र के अंत में बाबा जी ने शेष को प्रारब्ध भी बोला है, प्रारब्ध को स्पष्ट की कृपा करें। तो परिभाषा क्या है? जो जितना जान पाता है चाह नहीं पाता, जो जितना चाह पाता है कर नहीं पाता, जो जितना कर पाता है भोग नहीं पाता। तो हम लोग जब परिवार का अध्ययन कर रहे थे तो क्या देखा कि हर परिवार में आवश्यकता से ज्यादा, एक तो परिवार की आवश्यकता, दूसरा उसमें उत्पादन की विधि, उस पर आवश्यकता के अर्थ में कुछ कार्यक्रम, कुछ उत्पादन कार्य, तो हर परिवार में आवश्यकता से ज्यादा उत्पादन की व्यवस्था ही है। तो अभी जैसे हम लोग मान लो अभी घर में रोटी बनाते हैं, तो एक आदमी एक अगर चार रोटी खाता है तो कितना बना सकता है? अगर आप ऐसा सोचें तो पता चलता है 400 बना सकता है, हो सकता है 4000 भी बना दे दो चार घंटे में, अगर ठीक ठाक टेक्नोलॉजी वगैरह मिल जाए तो। तो क्या हम 400 रोटी खा पाएंगे? क्या नहीं खा पाएंगे? तो हमारे अंदर वो ताकत है, हम कितना पेड़ लगा सकते हैं, हम कितना खेती कर सकते हैं, हम कितने कपड़े बना सकते हैं, हम कितना जूता बना सकते हैं, कुछ भी, कोई भी आप चीज लोगे तो हम अगर जूता बनाते हैं, एक आदमी एक साल में एक या दो जूता पहनेगा, कितना जूता बना सकता है? बहुत सारा जूता बना सकता है। तो क्या देख रहे हैं कि मनुष्य में उत्पादन करने की क्षमता ज्यादा है, इतना उपयोग नहीं करता। अगर आप कपड़ा भी बनाएंगे तो कितना कपड़ा बना सकते हैं? आप कपास की खेती करिए, कपड़ा बनाइए, तो एक परिवार बहुत कपड़ा बना सकता है, जबकि उस परिवार में कपड़े का उपयोग कितना होगा एक वर्ष में, अगर इसको तय करेंगे तो बहुत थोड़ा सा होगा। तो इस अर्थ में हमेशा ही जितना वो करता है उसको भोग नहीं पाएगा, अभी भी नहीं कर पा रहा है, अभी तो केवल वेस्ट ही जा रहा है, अभी भी मानो पूरा भोग नहीं कर पा रहा है, दुरुपयोग कर रहा है ना, वो अलग बात है। तो जो ये ज्यादा है वो वही फिर उसी का बंटन होता है समाज में, वही फिर हम सदुपयोग शिक्षा में, अखंडता में, सार्वभौमता में लगाते हैं।
ठीक है। इसके बाद उमेश भैया का प्रश्न था प्रत्यावर्तन के उन्मूलन के, तो वो तो हो गया। जब प्रत्यावर्तन को अंतर नियोजन के अर्थ में देखते हैं तो क्या अंतर नियोजन जड़ में भी है? भैया प्रत्यावर्तन को नियोजन के साथ साथ हमने बताया मूल्यांकन करना है ना, मुख्य जो बात है ना, जहां से पकड़ना चाहिए कि अपने में जो मूल्यांकन क्रिया है वो वहां से प्रत्यावर्तन की बात है। दूसरी जो बात कह रहे हैं कि मन का वृत्ति, मन द्वारा वृत्ति को पहचान लेना है ना, वृत्ति चित्त को पहचान लेना, इसको प्रत्यावर्तन कह रहे हैं। अभी जब हम बोल रहे हैं तो जल प्रकृति में क्या हो रहा है कि इसका सीधे परावर्तन है, लेकिन अभी आप सुन रहे हो तो आप उसको क्या करते हो शब्द को सुनने के बाद कि इस शब्द का क्या अर्थ है उस पे आप सोचना शुरू करते हो है ना, फिर उस अर्थ के साथ आप वस्तु को समझना शुरू करते हो कि क्या वस्तु के बारे में बात की जा रही है। तो ये सारे आप क्रिया जो आपके अंदर चल रही है वो केवल परावर्तन नहीं हो रहा है, अभी आप उस समझने में लगे हो। तो प्रत्यावर्तन की जो क्रिया है वो समझने की क्रिया आपको बेसिकली प्रत्यावर्तन की क्रिया कह रहे हैं। जड़ प्रकृति में समझने की क्रिया नहीं हो पाती है, ठीक है। तो जो स्वीकृति है, जो मूल्यांकन है, जो समझने की क्रिया है वो उसको प्रत्यावर्तन कह रहे हैं। मेरे ख्याल से सारे प्रश्न हो गए, तो प्रश्न भैया सारे पूरे हो गए, अध्याय पूरा हो गया। अभी 10-12 मिनट बाकी है, लेकिन इसको हम यहीं पर पूरा कर सकते हैं। अगर कुछ और हो तो आप लोग लिखिए, अदरवाइज आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा टाइमिंग यहाँ पे अलग होता है, तो टाइमिंग के कारण क्या हो रहा है कि जो हमारा रात का सत्र है वो थोड़ा देर में खत्म होता है 11:30 बजे, फिर वो सोते सोते कभी क्लास करते करते जो शरीर है ना पूरी तरह से जग जाता है, और जगने के साथ क्या होता है कि वो फिर 12:30-1 बजे सोना और फिर पुनः 5 बजे उठना। तो अभी 2-3 दिनों से ये क्रम चल रहा है। व्हाट इज मास ऑफ परमाणु, आप परमाणु के लिखना चाहती हूँ प्रतिवादी, व्हाट इज मास ऑफ परमाणु? अच्छा हाँ, तो मास दीदी ना हमने ये जो बात कही थी कल कि यहाँ पे जिस तरीके से मास देख रहे हैं वो कोई भी चीज है ना, किसी चीज जैसे गिलास ना किसी चीज से मिलके बना है, ये पेन किसी चीज से मिलके बना है, तो जिन चीजों से मिलकर बना है, छोटे छोटे इकाइयों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसको मास कह रहे हैं बेसिकली। ऐसे ही हर चीज किसी चीज से बना है, इंक्लूडिंग जीवन, तो जीवन भी अंशों से मिलकर बना है, तो जीवन में 61 अंश है निश्चित। जो हाइड्रोजन है वो 2 अंशों से मिलकर बना है, अगर उसके आगे जाएंगे जैसे हीलियम है तो हो सकता है वो 6 या इस तरह से अंश से मिलकर बना हो, कोई 20 अंश से मिलकर बना है, कोई 50 अंश से मिलकर बना है, तो कितने अंशों से मिलकर बना है ये उसका मास है, आप समझिए। धरती भी ऐसे ही बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी है, उसको मास कह रहे हैं। और जब हम विज्ञान में जा रहे हैं तो मास वहां पे एक अलग ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो अभी तक हमने जो समझा है, जो आधुनिक विज्ञान है, जिस जो पार्टिकल फिजिक्स है या स्टैंडर्ड मॉडल जो फिजिक्स है उसके अनुसार जो जो क्या कहते हैं मास है उसको देख रहे हैं कि उसके लिए कोई एक जिम्मेदार पार्टिकल है, उसका नाम है हिग्स बोसॉन। और हिग्स बोसॉन जो है वो हिग्स फील्ड से जब इंटरेक्ट करता है, उसके चारों तरफ फील्ड है हमारी तरफ, तो हिग्स फील्ड के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो मास है। अब इसको बहुत जाए तो हमको समझ में नहीं आता, इतना हमारे पास सूचना है, उसका ज्यादा गहरा अध्ययन आपको फिर वो पार्टिकल फिजिक्स को अध्ययन करने से शायद पता चलेगा।
अपने यहाँ क्या कह रहे हैं कि मास अलग चीज है और भार अलग चीज है। ये जो पेन है इसका भार अलग है। भार क्या है? ये जो पेन है उसके, ये एक ठोस है और नीचे भी एक ठोस है, तो ठोस ठोस के साथ एक निश्चित निश्चित दूरी है। अभी उठा दिया तो अच्छी निश्चित दूरी में व्यतिरेक हो गया, ये अच्छी निश्चित दूरी में गड़बड़ हो गया। इसके साथ क्या दिखता है? उसमें आकर्षण है, हमने लगा दिया यहाँ पे, रोक लिया। तो ये जो आकर्षण बल है, ये पेन के अंदर धनाकर्षण, धरती के अंदर ऋणाकर्षण, इस आकर्षण को हम तौल लेते हैं, नापने की विधि बना लिया, इसको भार कह रहे हैं। तो भार एक अलग चीज है, मास एक अलग चीज है। मास का मतलब है किन छोटे चीजों से मिलकर बना हुआ है, भार का मतलब है उसके उसके हम आकर्षण बल को तौल रहे हैं, उसको भार कह रहे हैं। विज्ञान सम्मत विवेक समझाइए। तो विज्ञान सम्मत क्या है भैया? तो विज्ञान में क्या है? निर्णय। किस अर्थ में निर्णय? व्यवस्था के अर्थ में निर्णय, व्यवहार के अर्थ में निर्णय, कार्य के अर्थ में निर्णय, इस अर्थ में निर्णय। वो जो निर्णय है ना व्यवस्था के अर्थ में, उसके अनुरूप विवेक का होना। तो विवेक में आप देखने जाएंगे तो निश्चयन है। निश्चयन किस अर्थ में है? लक्ष्य के अर्थ में। तो लक्ष्य क्या है? समाधान समृद्धि अभ्यास अस्तित्व। उसके साथ वो उधर से जुड़ा हुआ है। तो जो निर्णय है और जो व्यवहार का नियम है, इन दोनों के साथ एक जुड़ाव आप देख सकते हैं। तो विज्ञान के सम्मत विवेक होना, हम जो अभी कर रहे हैं वो विज्ञान सम्मत विवेक। तो जो हमको कार्य व्यवहार करना है ना, उसके अनुरूप विवेक का होना। तो हमको कार्य में क्या होना है, व्यवहार में क्या होना है, तो न्याय और कार्य के रूप में देखेंगे तो मान लो अभी समृद्धि, उसी को और फैला देते तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। इस अर्थ में विवेक, विवेक में पीछे हमने बताया कि उसका मानव का लक्ष्य, उसका सपोर्टिंग वहां, सपोर्ट वहां से है, और उसको वाइस वर्सा आप चेंज भी कर सकते हैं। और इन दोनों का अगर जुड़ाव देखेंगे तो मानवीयतापूर्ण आचरण, तो मानवीयतापूर्ण आचरण से जुड़ा हुआ है वो सब, है ना, ये जो व्यवस्था है और हमारा कार्य व्यवहार है और जो आचरण है, वो सब एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आप लोग बता रहा था कि जो टाइम कुछ इस तरह से हो जाता है कि अभी 2-3 दिनों से ठीक से सोना नहीं हो पा रहा है, तो शरीर में थोड़ी थकान आज ज्यादा है, और इसलिए अभी जितना जैसा प्रस्तुति होना चाहिए उतना वैसा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी जो प्रयास था बहुत अच्छा था। आप लोग बहुत अच्छे से सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग फिर मिलेंगे किसी समय में, और ये सेशन हमारे लिए भी बहुत उपयोगी है, बहुत सारे लोग करते जा रहे हैं, तो हम लोग भी यहाँ देखते हैं। यूजुअली हम लोग यहाँ थोड़ा जल्दी सो जाते हैं, तो हम जब समय मिलता है उस हिसाब से देखते हैं, डायरेक्टली ऑनलाइन तो नहीं रहते हैं। जी भैया, विवेक, विज्ञान और विवेक एक दूसरे से जुड़े हैं, यही सम्मत का मतलब वही होता है, एक दूसरे से जुड़े, उसको अलग नहीं कर सकते हैं। ज्ञान विवेक विज्ञान को अलग करके नहीं दिखा जा सकता है, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बेसिकली ज्ञान के साथ ही फिर विवेक है, ज्ञान विवेक के साथ ही विज्ञान है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप सभी को लोगों को नमस्ते, और यहाँ पे रोकना ठीक रहेगा, कैसा सोचते हैं? अभी 5-6 मिनट बाकी है, लेकिन रोक सकते हैं। ठीक है, ये था कि ज्ञान किसी एक खास भूमि पे ही होगी, है ना, वो भारत में होगी, कहीं और होगा। एक और बड़ी अच्छी बात याद रहती है, जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो बाबा जी ने एक बार बोला कि इसको वो कनाडा नहीं बोलते थे बाबा जी। बाबा जी हमेशा कनाडा को अमेरिका ही मानते रहे और अमेरिका बोलते रहे। तो बोलते थे कि बोले कि देखो तो भारत की धरती पे प्रमाणित हो गया ये बात, है ना, और लोग मानते ही हैं कि ये भारत पुण्य भूमि है।